वक्षे सनातना सुकरोप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म माविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः नमस्तोऽनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिये युगधारिणे नमः लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरं परां नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भक्षे सनातनाम् व्यासं वसिष्ठनपतारं सगते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधिं ॐ व्यासाय नमः ॐ विष्णुरूपाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणे की श्री बाल कृष्ण लाल की सुखदेव भगवान की गंगा मैया की जय जय श्री राधेश
श्रीमते रामानुजाय नमः। धेयं सदा परिभवज्ञमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणेकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनि विविलशत् गोपी सहस्त्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारुं किशोराकृति लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण। जय चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विन वेश तस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण स्वा
गोविंद दामोदर स्तोत्र सब लोग गाओ। विक्रेतु काम अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। विक्रेतु काम अखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। दध्या Thank you.
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। कल्प गुरु श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री यदु महाराज की जय। श्री गोदावरी मैया की जय। देवादिदेव श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय श्री राधे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। हरिशरणम। परम मंगलमय प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान पुराण संहिता एवं श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे चारों वेद एवं उनके पाठक के रूप में विराजमान पूज्य श्री राघवेंद्र भट्ट जोशी जी, परम पूज्य श्री अभय पाठक जी, परम पूज्य श्री दिनकर जोशी जी, परम पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर जी, समस्त विद्वज्जनों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। सन्मुख विराजमान हमारे पूज्य महाराज जी, जिनके सत्संकल्प से ये दिव्य मनोरथ यहाँ चल रहा है, ऐसे पूज्य महाराज जी को प्रणाम। एवं यहाँ आए हुए आप सभी वैष्णव भक्त वृंद मातृशक्ति सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, दिगंबरा। परमानंद के साथ श्रीमद् भागवत मास कथा का ये अनुपम क्षण चल रहा है। खूब आनंद के साथ हम आप सब लोग अवधूत चिंतन करते हुए श्रीदत्त भगवान के मधुर भाव का श्रवण करते हुए भागवत जी की अविरल धारा का रसस्वादन लाभ ले रहे हैं। परमानंद की अनुभूति हो रही है। आज मंगल में एकादशी है और ऐसे एकादशी के अवसर पर श्री गंगा जी का सामिप्य, उनका स्नान, दत्त भगवान का दर्शन, संत वृंदों का दर्शन, महाप्रसाद का सेवन, ऐसे मधुरतम दिन में फिर भगवत हरि चर्चा जो यहाँ हम कर रहे हैं। अभी राजभोग पाने के बाद थोड़ी देर पलस्कर गुरु जी के साथ में बैठ के थोड़ी देर चर्चा हो रही थी, तो आप श्री ने एक सहज भाव कहा और उससे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि यहाँ अनायास ही हरि चिंतन बना हुआ है। सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक और कोई चिंतन मन में आ ही नहीं रहा है, केवल हरि। सुबह उठो, स्नान करो, किसके लिए स्नान करो? हरि के लिए। बाल भोग पाओ किसके लिए? हरि के लिए। राजभोग पाओ किसके लिए? हरि के लिए। वस्त्र धारण, कल मुझसे कोई आके बोला, बोले महाराज जी यहाँ के नियम हम पे क्यों लागू हो रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि हरि के लिए है, ये कोई गरज नहीं पड़ी है कि आप यहाँ रहो, यहाँ आए हो तो यहाँ के अनुसार रहो। स्कूल जाते हैं तो वहाँ की यूनिफॉर्म पहनते हैं, किसके लिए? स्कूल के लिए। ठीक वैसे यहाँ हरि के लिए हैं हम, यहाँ अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपने लिए कोई भाव नहीं है, सब ठाकुर जी के लिए। यहाँ पर आपके वस्त्र आभूषण भी उन्हीं के लिए हैं, यहाँ जो पा रहे हो वो भी उन्हीं के लिए, जो कर रहे हो तो राजभोग पा लिया, उसके बाद में फिर कथा सुनो, फिर वही
शाम को भी क्या करोगे, कुछ है ही नहीं करने को, केवल हरि का चिंतन करो, हरि का स्मरण करो। अनायासी भगवत स्मरण बन रहा है। संसार में जब अपने गृह कार्यों में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, अपनी व्यवस्थाओं में रहते हैं, तो समय निकालना पड़ता है कि ठाकुर जी के लिए समय निकालें, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां संसार के लिए समय निकालना पड़ रहा है। शाम को मौन खुलता है तो फिर विचार करते हैं, थोड़ा माँ से बात कर ली जाए, घर परिवार में पूछ लिया जाए कैसे क्या। दिन भर कोई पता नहीं है किसी को, वो लोग भी फोन नहीं कर रहे क्यों, उनको पता मौन है, बोलना इसको है नहीं है। कुछ पूछना भी है तो वो पूछ भी लेंगे, औरों को फोन करके तो हम इशारे में क्या उत्तर दें, यही कहते हैं शाम तक इंतजार करो। तो संसार में ठाकुर जी के लिए समय निकालना पड़ता है, लेकिन यहां आकर के जो अनुभव हो रहा है, यहां संसार के लिए समय निकालना पड़ता है। यहां ठाकुर जी के लिए ही पूरा दिन है, ऐसा हमारा संपूर्ण दिन हो जाए, संपूर्ण जीवन हो जाए। फिर आपको अन्य व्यवहार के लिए समय खोजना पड़े, अभी ठाकुर जी के लिए समय खोजना पड़ता है, पर यहां उल्टा है, यहां संसार के लिए समय खोजना पड़ता है, वो भी मिल नहीं पाता है, उसके बाद भी नहीं मिल पाता। कल तो इतना थक गए महाराज जी, क्षमा मांगे हम, यहां से कथा करके स्नान करके, थकान मतलब ऐसी कुछ नहीं है, तो सुख में प्रसाद पाके ऐसी नींद आई, कल तो मैं 10:30 बजे ही सो गया, और कल रात्रि यहाँ कार्यक्रम था, मैं सबको बोला मैं अभी 10 मिनट लेट के फिर आ रहा हूं, फिर मैं सो ही गया, सीधा सुबह ही उठा। हमारे एक पंडित जी हैं, वो कहते हैं कि आंख भी बंद होती है तो नींद में भी दिगंबरा दिगंबरा सुनाई देता है, और आंख बंद होती है नींद आती है तो स्वप्न में भी यही लगता है कि गोदावरी जी में तैर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है, कम से कम आंख बंद होने पर संसार के भवसागर में तैरते हुए तो नहीं देख रहे स्वयं को, माँ गोदावरी के तट पर ही माँ गोदावरी जी की गोद में तैरते हुए देख रहे हो, यह भी अच्छा है। हर क्षण हरि चिंतन का देखो प्रभाव, एक अलग ही ऊर्जा प्रकट हो रही है भीतर से, एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता ऐसा लग रहा है घेरे हुई है हमें, ऐसा संपूर्ण जीवन हो जाए। मुझे तो बहुत बार बार लगता है कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि यहां एक महीने के प्रवास पर हम आए हैं। तो आइए अब क्रम में प्रवेश करें। कल के जो गुरु थे चंद्रमा, उनके लिए बहुत सारे उत्तर आए हैं हमारे पास। अब कई उत्तर तो तब आए जब हम बिल्कुल कक्ष से निकलने लगे, तो हमने कि अब इनको तो कल ही देखेंगे, लेकिन जो जो हमारी नजर में आ गए उनको मैं थोड़ा थोड़ा स्पर्श कर देता हूं। अब हमने एक नई चीज सोची है, सबके पत्र पूरे पूरे पढ़ें, उससे अच्छा है कि अब हम सबको 10 में से अंक देंगे, कितने अंक हैं आपके उत्तर के। तो अब ये और होगा कि ये परसों भी किया था कि यहाँ पर ये पत्र सब पढ़ के इधर यहीं रखवा देंगे, जिस जिसके पत्र हों वो अपने ले जाना और अंक देख लेना, और जो भाव हमको बढ़िया लगा उसके आगे हम एक सितारा बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भाव आपका सुंदर है और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। तो एक सुंदर भाव आया, चंद्रमा बल का प्रतीक है। देखो हम एक बात तो बता दें, पासिंग मार्क्स तो सबके आने हैं, 10 में से पास हैं 5 नंबर। 5 नंबर केवल आपको इसलिए मिलेंगे क्योंकि आपने लिखा है पत्र, उत्तर लिख करके दिया है, तो 5 से कम तो आने नहीं है। उसके बाद जो अंक आपको मिल रहे हैं वो आपके विचार के लिए हैं, मतलब 6, 7, 8, 9 आदि ये अंक आपके, ये समझो ये उचित हैं। तो चंद्रमा बल का प्रतीक है, जबकि वे स्वयं प्रकाशी न होते हुए भी पूरे अंधेरी रात को उजागर करते हैं। अब इसमें देखो आपने जो भाव लिखा उससे हमको एक भाव स्मरण में आया, कितना अच्छा भाव समझ में आया कि चंद्रमा का जो निवास स्थान दिया ठाकुर जी ने, उसको दिया घनघोर अंधेरा, मतलब आपको रहने के लिए, आपको खाने पीने के लिए, आप सब देखते हैं कि ऐसा स्थान हो जहां पर हरियाली हो, जहां पर थोड़ी वातावरण शुद्ध हो, हवा आती हो, जहां पर सुंदर नदी बह रही हो, थोड़े पहाड़ दिखते हो। हर व्यक्ति चाहता है कि एक साइड मतलब वातावरण सुंदर हो जहां मैं रहूं,
लेकिन ठाकुर जी ने चंद्रमा को कैसा वातावरण दिया? भयंकर घनघोर काला। ऐसा वातावरण हमको मिल जाए तो हम भी नहीं रह पाएंगे। सुबह सुबह जब स्नान करने आते हैं गंगा जी में, उस समय भय तो लगा रहता है, चित्त में अंधेरा रहता है। हमारे सारे पंडित जी इनके संग महाराज जी खूब आनंद करते हैं। हम पहले इनको कुदा देते हैं, पहले तुम कूदो। अच्छा आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि ये लोग तो स्नान घर में नहा के नहीं आते ना, मैं तो वहां से भी नहा के आता हूँ, तो इसलिए मेरे पास एक प्लस पॉइंट होता है ये कहने का कि मैं बाद में जाऊंगा, पहले तुम जाओ। क्योंकि सुबह सुबह जब आते हैं स्नान के लिए तो खूब सारी मछली तैर रही होती हैं और दिख जाती हैं ऊपर से, तो वो थोड़ी दूर हो जाएं उसके बाद जाएं अंदर। तो केवल एक भाव है कि जब अंधेरा हो, थोड़ा काला प्रकाश, मतलब आपकी अव्यवस्थित स्थिति है। चंद्रमा को ठाकुर जी ने व्यवस्थित स्थान नहीं दिया रहने को, अंधेरा दिया है, काली निशा, लेकिन प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार करता है। और प्रेम पूर्वक स्वीकार करके जैसी अवस्था ठाकुर जी ने दी है, जैसी व्यवस्था ठाकुर जी ने दी है, उस व्यवस्था को भी महीने में एक बार सजा करके उसको पूर्णिमा के दिन और सुंदर बना देता है। तो ये भाव इन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन इनके एक संकेत से मुझे भाव प्रकट हुआ कि स्वयं बलहीन होते हुए भी चंद्रमा अंधेरे की रात में उजाला करता है, उन्हें अपने कार्य पूर्ति के लिए सूर्य भगवान की सहारा लेना पड़ता है, आदि आदि आपने भाव लिखे। लेकिन ये भाव इससे बहुत सुंदर समझ आता है कि व्यक्ति को जैसी स्थिति ठाकुर जी दे रहे हैं उस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपने समय में से अनुकूल समय निकाल करके उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी को धन्यवाद करना चाहिए। जैसे सूरदास, श्री सूरदास जी महाराज के पास नेत्र नहीं थे, पर वो नेत्र ना होने के लिए भी धन्यवाद कहते थे ठाकुर जी को। कोई कहता सूरदास जी आप कैसे व्यक्ति हो बताओ, ठाकुर जी ने आपको व्यवस्था नहीं दी आप फिर भी धन्यवाद देते हो। सूरदास जी कहते हैं, बोले कि ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए इसके लिए मतलब ठाकुर जी ने मुझको बचाया है। बोले बचाया है मतलब? बोले संसार देखते हैं, जो दिखता है उसमें आसक्ति होती है, जो दिखता है उसके प्रति हमारा लगाव हो जाता है, जो दिखता है उसके प्रति ममत्व हो जाता है। ठाकुर जी ने मुझे देखने की व्यवस्था ही नहीं दी। बोले किसी से लगाव नहीं, किसी से ममत्व नहीं, किसी से आसक्ति नहीं, सूरदास तू तो बस मेरो है, तू बस मोये देखेगा और मैं तो देखूंगा, इसके अलावा तू किसी को नहीं देखेगा, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए। ये चंद्रमा का गुण है, अपनी व्यवस्था को स्वीकार करे। ठाकुर जी ने ऐसी दी है मुझे स्वीकार। अष्टवक्र, आठ जगह से शरीर टेढ़ा था उनका, किसी सभा में जाते, बड़े विद्वान थे, पर सभा में जब जाते तो कोई हंस जाता तो हंस करके उसको कहते, बोले देखो तुम हंस क्यों रहे हो? बोले कि आप ऐसे टेढ़े मेढ़े से हो ना, आठ जगह से टेढ़े हो, अष्टावक्र हो, चलते हो तो थोड़ी हंसी आ जाती है। तो अष्टावक्र कहते थे, वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारे किसी ने पूछा, बोले आपको निंदा का अनुभव नहीं होता कोई आप पर हंसता है तो? अष्टावक्र कहते हैं, बोले देखो कुम्हार ने घड़ा बनाया, अब घड़ा कैसा बना है, अच्छा बना है, बुरा बना है, बेकार है, जैसा भी है, घड़े से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कोई निंदा करे कि उसकी कोई प्रशंसा करे। घड़े की निंदा स्तुति तो सीधे सीधे कुम्हार की निंदा स्तुति होती है। अगर कोई घड़े को दोष दे रहा है, बोले घड़ा बेकार है, तो घड़े का क्या अस्तित्व है? घड़े को बनाने वाले ने बनाया जैसे बनाया। बोले ये बात समझ लेना मेरी निंदा करने से पहले कि मेरा शरीर ठाकुर जी ने प्रसन्न होने के लिए ऐसा बनाया, वो मुझे ऐसा देखना चाहते हैं, मुझे स्वीकार है, मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता, ठाकुर जी ने मेरा निर्माण ऐसा किया है। तो अपने जीवन में आने वाली अव्यवस्थाओं की शिकायत नहीं ठाकुर जी से, जो मिला है उसको सहर्ष स्वीकार करके उसको और सजावे। ये चंद्रमा से हमने सीखा, उसको काली निशा मिली है, घनघोर अंधेरा मिला है, लेकिन फिर भी उसका निर्माण सुंदर करता है, उसको सजा के रखता है।
तो ये इनका वो था भाव, और भी इनके भाव, मैं सब पूरे पूरे तो नहीं पढ़ूंगा, एक एक दो दो पढ़ूंगा। इनको मिले हैं 10 में से 6 नंबर। 6 नंबर क्यों मिले हैं? क्योंकि इन्होंने भाव एक सुंदर प्रस्तुत किया और उससे कोई भाव जागृत हुआ। हम थोड़े से स्ट्रिक्ट टीचर हैं, ज्यादा नंबर देंगे नहीं आसानी से, बढ़िया लिख के लाओ तब देंगे। फिर तो फिर ये एक आया है कि श्री चंद्रमा, श्री दत्तात्रेय भगवान के छठे गुरु, सबसे ज्यादा आकर्षण करने वाले ग्रह, अपनापन महसूस होने वाला, छोटे बच्चों को भी बोलते हैं चंदा मामा। महाराज जी मुझे लगता है पहला गुण तो यही लेना चाहिए कि आकर्षण बढ़ाना, आकर्षण बढ़ाना नहीं, इस भाव को थोड़ा हम सुधार दें, हमारा आकर्षण बने ये बात नहीं होनी चाहिए, हमारी उपस्थिति से किसी के चित्त में सुधार आवे, ऐसी व्यवस्था अपनी बना करके चलनी चाहिए। आकर्षण प्रस्तुत करना ये दैव लक्षण नहीं है, लेकिन अच्छा है, छोटे बच्चों को जल्दी आकर्षित करता है चंद्रमा। तो ये एक भाव उसमें ये लगा कि छोटे बच्चे संस्कार प्रारंभी होते हैं बालावस्था से, तो अपना निर्माण ऐसे करके चलें कि जितने छोटे छोटे बालक हैं वो आपसे रीझ हैं और आपसे रीझ करके आपके समीप आकर के आपके गुणों को सीखना प्रारंभ करें। कई लोग अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि बच्चे उनसे सबसे ज्यादा डर के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों के सामने अपना निर्माण ऐसा करके चलो कि वे आकर्षित हों, वे आकर्षित होंगे, समीप आएंगे, बैठेंगे, आपसे वार्ता करेंगे, आप कुछ कहोगे तो उससे उनके जी। महाराज जी कथाओं में क्रिकेट खेलना, ये मैंने कैसे प्रारंभ किया, मुझे खेलना तो अच्छा लगता ही है, पर एक बार हमारी कथा हुई बिहार में, और बिहार में जिस मैदान में कथा थी उस मैदान में कथा से पहले सवेरे बच्चे खेलते थे, तो मुझे यजमान ने बताया, बोले महाराज जी ये सारे हमारे स्टेट लेवल के बच्चे खेलते हैं पर ये लोग कथा में नहीं आते, और ये सारे व्यसनी और हैं, सब व्यसन करते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, आप थोड़ा कुछ विचार करो इनके विषय में। मैंने कहा सुनो कल इनसे कहो कल हमारा मैच होगा इनके साथ। तो हम सारी धोती वाले और ये सारे पेंट शर्ट वाले, तो उन लोगों के साथ में खेल खेलना प्रारंभ किया। एक दिन दो दिन उसमें थोड़ी मित्रता जैसी हो गई, उसका परिणाम ये हुआ महाराज जी कि चौथे पांचवे दिन से वो बालक कथाओं में आने लगे। उनके मन में ये भाव आने लगा कि महाराज जी हमारे साथ खेलते हैं, हमारे बॉलों पर छक्के मारते हैं, हमको आउट कर देते हैं, और आउट हो जाते हैं तो फिर चीटिंग भी करते हैं हमारे साथ, जैसे हम यहां भी करते हैं। तो उसका एक लोभ का एक मतलब, वो छोटा सा लोभ दिया उनको, और उसका ये परिणाम हुआ कि वो बालक कथा में आने लगे। 4 दिन की कथा में ये स्थिति हुई कि जब कथा विश्राम हुई तो वे सारे बालक रोने लगे और बोले महाराज जी आप कब आओगे दोबारा। मैंने कहा हम जल्दी आएंगे। बोले ठीक है। तो हमने कहा लेकिन एक वचन दो हमको। क्या? बोले आज के बाद कोई व्यसन नहीं करोगे, हम तभी आएंगे आपके नगर में कथा करने, अगर हमको पता चला कि आप लोग अब भी व्यसन करते हो तो ये कथा के लिए हमको कोई बोलेगा भी तो भी नहीं आएंगे। हर साल वहां से फोन आता है, बोले महाराज जी कथा का समय दो, बच्चे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सब बिहार में कहीं भी कथा हो तो आते भी हैं वो लोग, और सबने व्यसन छोड़ दिया। तब से ये नियम बना लिया कि हमारे साउंड का जो ट्रक चलता है उसमें एक क्रिकेट किट भी चलती है, वहां जाएंगे, वहां के बच्चों को जबरदस्ती बुला के खेलेंगे, कथा आयोजन परिवार वालों के बच्चों के साथ खेलेंगे। तो खेल एक लोभ है उनके चित्त में प्रकट करने का कि इससे वो कथा में आए, थोड़ा समीप आए, बैठे अपने मन की बात करें। तो ऐसा चंद्रमा की तरह आकर्षक बनाना चाहिए, लेकिन किसके लिए? अपने आप को आकर्षक बनाओ, ठीक है आपकी इस बात को मैं लेता हूं, आकर्षण हो, लेकिन आकर्षण किसका किसके लिए होना चाहिए? कोई मेरे को चाहने लगे, कोई मेरे प्रति लोभित हो जाए, इस प्रकार का आकर्षण नहीं। आकर्षण यही होना चाहिए कि ये आकर्षित हो कि मेरे से भजन का बल ले ले, मेरे से भजन का भाव सीख ले, मेरी तरह यह भी भक्ति भजन में लग जाए, इस प्रकार का आकर्षण आप निर्माण करो। चंद्रमा से हमने सीखा आकर्षण बढ़ाना, जो भक्ति से बढ़ता है दूसरी सीधी
यह है कि नथिंग इज परमानेंट, न सुख न दुख, सब आने वाला जाने वाला है। चंद्रमा की कलाएं सिखाती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव परिवर्तन आता है। ये हमने कल बताया था कि वो अपने उतार चढ़ाव में रहता है लेकिन अपनी स्थिति को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन इन्होंने एक बात सुंदर लिखी है, उतार चढ़ाव आते हैं इसमें भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। व्यक्ति के अंदर परिवर्तन कैसा आ जाता है कि जीवन में अव्यवस्था आने पर थोड़ा सा उसका मानसिक संतुलन जो है, मानसिक स्थिति जो है, वो थोड़ी गर्म हो जाती है, थोड़ी उष्ण हो जाती है, थोड़ा विचलित सा हो जाता है। विचलन में स्वयं को संभाल लेना ये एक बात है, लेकिन विचलन होने पर स्वयं को संभालते हुए अपने स्वभाव को ना डगमगाने देना, ये हमने चंद्रमा से सीखा। तो ये भाव इनका इसमें समझ आया। इनको मार्क्स मिले हैं नंबर 7, 10 में से। फिर अगला, चांद और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से ही समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार भाटा। और अगर चांद ना हो तो समुद्र हमेशा ठहरा रहेगा। वैसे ही हमारे जीवन के चंद्रमा हैं गोविंद श्री जी। अगर हमने इनकी वैल्यू ना समझी और इनको लक्ष्य ना बनाया तो हमेशा जीवन भी, हमारा जीवन भी रुक जाएगा। मतलब इनका कहने का भाव है कि चंद्रमा जो हैं वो हमारे लिए श्याम सुंदर हैं, हमारे लिए दत्तात्रेय हैं, हमारे लिए श्री जी हैं, वे ही हमारे चंद्रमा हैं। चंद्रमा है इसलिए समुद्र का स्वरूप सुंदर है। चंद्रमा यदि ना हो तो समुद्र स्थिर हो जाएगा। अगर ठाकुर जी हमारे जीवन में नहीं है तो हम भी स्थिर हो जाएंगे। फिर दूसरा इनका भाव है, चंद्रमा में गड्ढे होते हैं। इस विषय पर मैंने स्टार बनाया। चंद्रमा में गड्ढे होते हैं जो कि हमें उसके पास जाने से ही दिखते हैं। अच्छा, ये गए हैं इसके पास? हम तो गए नहीं कभी चंद्रमा के पास, पर फोटो देखे हैं चंद्रमा के। उसके पास जाने से उसमें गड्ढे दिखते हैं। लेकिन भाव क्या है, हम इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम जिस इंसान के ज्यादा समीप पास जाएंगे हमें उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखेगी, दिखने लग जाएगी। वो कमी उस इंसान की नहीं होती, हमारी ही होती है। पर ठाकुर जी के साथ ऐसा नहीं है। हम जितना श्री जी और श्री गोविंद के समीप जाएंगे हम उनसे पहले से ज्यादा प्रेम होने लग जाएगा। तो इसमें ये भाव था कि चंद्रमा में गड्ढे होते हैं पर दूर से वो दिखाई नहीं देते, पर वो होते हैं। जितना समीप जाएंगे दिखने लगेंगे। इसीलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं, अति दूरात अति सामिप्य। अति दूरी और अति सामिप्य दोनों में दोष होता है, इसलिए स्वयं को सदैव मध्यस्थ रखना चाहिए। अगर समीप जाने की इच्छा ही है तो हमको ठाकुर जी की सन्निधि में जाना चाहिए। चंद्रमा का एक सुंदर स्वभाव, शुभ का भी प्रतीक है, शुभ का भी प्रतीक है। उसे ही जब इंसान को ये लगता है कि उसके जीवन में बस परेशानियां हैं, अगर उस समय वो भगवान पे से अपना विश्वास ना ढलने दे तो बाद में बहुत सुंदर शुभ होता है जो कभी खत्म नहीं होता। सुबह होती है चंद्रमा के जाने के बाद, सुबह होती है, ऐसा भाव है। हाँ, चंद्रमा के उपस्थिति के पश्चात प्रकाश होता है। ठीक वैसे ही अगर ठाकुर जी का जीवन में हमारे जीवन में ठाकुर जी रूपी चंद्रमा यदि विद्यमान है तो उनके उनके उपस्थिति से जीवन में प्रकाश होगा, ऐसा भाव। सुंदर सुंदर भाव हैं सबके। इनको 10 में से 8 नंबर मिले हैं। फिर जैसे चंद्रमा आकाश का श्रृंगार करता है वैसे ही हमें अपने जीवन में अपने मन को ठाकुर जी के रूप में सजाना चाहिए। हमें अपने अंतरंग को प्रेम शांति और प्रकाश से भरा, उनके प्रेम भरी आंखों के सामने प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने जीवन को उनकी आराधना करते हुए सजाते हैं। वही बात है कि चंद्रमा रात्रि को सजाता है,
ऐसे ही हमको भी चाहिए कि हम उपस्थिति का श्रृंगार करें। इनको भी 10 में से 7 नंबर मिले हैं। तो ये कुछ लोग हैं जिनके हम पढ़ पाए, और एक का तो बहुत सुंदर है, उसमें मुझे हंसी बहुत आई। इनका भाव क्या है, एक दो भाव बोल दूं बस। मनुष्य का सबसे नजदीकी ग्रह और सबका प्यारा भी, जैसे माँ बेटे को कहती है देखो चंदा मामा, मामा और भैया आदि लोग दर्शन करते हैं, मतलब चंदा मामा है। अब इसमें कोई ऐसा गुरु तुल्य भाव तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, विनोद का भाव है। बोले किसी के नाम के आगे अगर चंद्र लगा दो तो उसका नाम भी सुंदर हो जाता है, ये भाव अच्छा था। जैसे चंद्र को अगर किसी नाम के आगे लगा दिया जाए तो वो नाम और सुंदर हो जाता है, कृष्ण चंद्र, राम चंद्र, इंद्रेश चंद्र। ऐसे चंद्र लगाओ भैया, सबके नाम के आगे चंद्र लगा दो। फिर किसी की मजाक में भी अगर चंद्रमा, प्रेम भरे भाव में भी चंद्रमा का प्रयोग किया जाता है, मेरी प्यारी सी चंदा सी बेटी। सभी तरह के पूजन में विशेष महत्व श्री गणेश जी, चतुर्थी का उपवास हो, बिना चंदा के दर्शन पूजन नहीं होता। अब इसमें चंद्रमा की उपयोगिताएं बताई गई हैं, इनको भी हमने 8 नंबर दिए हैं 7-10 में से, क्योंकि अच्छे भाव हैं, अच्छा लगा पढ़ करके। तो इस प्रकार ये सबके हैं। 2-3 हमको अभी अभी मिले हैं जब हम मंच पे आ रहे थे, वो हम अभी पढ़ नहीं पाए हैं, उनको हम आज पढ़ेंगे, फिर कल इनको भी नंबर दे देंगे, और फिर इस पर भी आप लोगों का बस ये चिंतन बनता रहे, हमको इससे बड़ी प्रसन्नता है। हमारे नंबरों से आप उदास या प्रसन्न मत हो जाना, ये तो हम बस आपका लगाव बढ़े, आपका थोड़ा और भाव बढ़े, इसलिए हम कर रहे हैं। बाकी आप लिख करके देते हैं, इसी से बड़ी प्रसन्नता है कि चिंतन तो करते हैं, और ऐसे ऐसे चिंतन करके लाते हैं जो कथा से परे हो, ये और अच्छी बात है। तो ऐसे भावों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं सबके चरणों में। और अब दत्तात्रेय भगवान के अगले गुरु के विषय में हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी वायुराकाशम अपो अग्निश्चंद्रमा रवि। चंद्रमा के बाद जो श्री दत्त भगवान के अगले गुरु हैं, भगवान दत्त कहते हैं राजर्षि यदु, मेरे जो अगले गुरु हैं उनका नाम है सूर्य। बात बंधुओं ये है कि जो जो गुरु इन्होंने बनाए हैं, इनमें ये गुण ढूंढना जो दत्त भगवान ढूंढ रहे हैं वो बहुत विशिष्टतम बात है। अब सूर्य में क्या गुण देख रहे हैं श्री दत्त भगवान? सूर्य का गुण दिखाते हुए श्री दत्त भगवान कहते हैं कि सूर्य को मैंने गुरु बनाया, उसका क्या गुण देख करके? सूर्य का गुण है कि पृथ्वी में जहां कहीं भी जल सिंचित होता है, जल इकट्ठा हो जाता है, सूर्य अपने प्रकाश से उन समस्त जलों को सींच करके सुंदर बादल में परिवर्तित कर देता है, और बादल में परिवर्तित करके जिस स्थान को आवश्यकता है, जिस जिस स्थान पर आवश्यकता है, जिन जिन खेतों में आदि आदि स्थानों पर उसकी आवश्यकता है, जो जल किलोमीटरों दूर है वहां से उसको पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सूर्य उस जल के संग्रह को खींच करके उसको सुंदर जलाशय में परिवर्तित करके उस स्थान पर पहुंचा करके उसको बरसवा देते हैं। इसलिए मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया, को यथा योग्य संभव स्थिति सबकी पूर्ण करते हैं। इससे दो बातें घटित होती हैं, एक तो ये कि जरूरतमंदों को जल की प्राप्ति हो जाती है। अब देखो इसमें एक भाव और है कि सूर्य सबसे ज्यादा जल कहां से लेते हैं? समुद्र में से। समुद्र से सीधे जल आप नहीं ले सकते क्योंकि खारा होता है, पर सूर्य क्या करते हैं, उसके खारे जल को सुंदर शुद्ध और पीने योग्य बना करके जलाशय में परिवर्तित करके उसको प्रस्तुत कर देते हैं। उससे आप स्वयं भी स्नान करते हो, स्वयं पान भी करते हो, ठाकुर जी की आराधना भी उसी से करते हो, भोजन भी उसी से बनता है। अरे संपूर्ण जीवन ही हमारा जल से चल रहा है, पर उस जल को प्रदान कौन करता है? सूर्य। बहुत सारी बातें एक ही भाव में घट जाती हैं। सबसे पहला, समुद्र खारा है
उसके खारेपन को दूर करके उसको मिठास बना करके प्रस्तुत करता है। मतलब सूर्य से मैंने क्या सीखा, किसी व्यक्ति में अयोग्यता है पर किसी व्यक्ति के सामने जाकर के आपको किसी अन्य व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो आप उसकी अयोग्यताएं ना बता करके उसका गुण प्रस्तुत करो। जैसे मैं आपसे मिला, आपने कहा महाराज जी आप नासिक गए थे, मैंने कहा जी, तो नासिक में एक व्यक्ति मिला था आपको, मैंने कहा हाँ, वो कैसा था? अब उसके मुझे दुर्गुण पता है लेकिन मेरा स्वभाव क्या होना चाहिए, सूर्य के जैसा। समुद्र खारा है पर फिर भी वो प्रस्तुत उसका शुद्ध जल ही करता है। बहुत सावधानी से सुनिएगा, दत्त भगवान कितनी गहराई से देखते हैं। मैंने क्या किया आपके सामने, जब आपने पूछा नासिक के किसी व्यक्ति के बारे में तो मैंने उसकी प्रशंसा ही की, मैंने भोजन बहुत अच्छा बनाता है, बोलता बहुत अच्छा है, उसका ये गुण बहुत अच्छा। अब दुर्गुणों पर मैंने प्रकाश ही नहीं डाला। मानव का अधिकतर स्वभाव कैसा होता है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो वो उसके दोष ही बताएगा। हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन ऐसा है, जैसे आपसे किसी ने पूछा आप कथा सुनने गए थे, बोले जी कैसी कथा लगी, हाँ महाराज जी तो बढ़िया कथा, बढ़िया भजन वजन कम गाते, नचाते कम है, थोड़ा है कम ही गाते हैं। एक कल परसों हमको यहीं का एक बालक बोला महाराज जी एक प्रार्थना करें, मन जी एक ऐसा भजन गा दिया करो कि हम थोड़ा नाच लें। मैंने कहा भाई मेरे अपने वश में नहीं होता, मैं व्यास मंच पे मैं खुद सोच करके तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन निकलता वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। मन में भाव आ गया तो नचा भी देंगे। मैंने कहा वास्तविकता तो यह कथा में मन नृत्य करना चाहिए, तन भले ही नृत्य ना करे, तन तो पूरे दिन नृत्य कर ही रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पूरा जीवन आप नृत्य ही तो कर रहे हो, कथा में तो स्थिर बैठ करके मन को नृत्य कराओ। पर हाँ जब विश्राम में कीर्तन व भाव हुआ करे थोड़ा बहुत नृत्य किया करो, ठाकुर जी को भी प्रिय लगता है, सुख लगता है। तो आपसे किसी ने पूछा बोले कथा तो बढ़िया करते हैं लेकिन भजन वजन कम गाते हैं, थोड़े चुटकुल्ला कम सुनाते हैं, थोड़ी प्रशंसा करेंगे लेकिन दोष ज्यादा बताएंगे। पर सूर्य का कैसा स्वभाव, वो दोष तो देता ही नहीं है, जल से संग्रहित किया गया शुद्ध जल ही प्रदान करता है, आप सबको बता देता है देखो मेघ का ये सुंदर जल ये हमको कहां से मिला, सूर्य से, चंद्रमा से, समुद्र से मिला है, उसमें जरा भी खारापन नहीं होता। इसलिए मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। सबसे पहला गुण कि वो खारे सूर्य का प्रस्तुतिकरण सुंदर करके करता है। सूर्य को मैंने गुरु क्यों बनाया, दूसरी बात क्योंकि वो जरूरतमंदों को संग्रह किए हुए जल को ले जाकर के पहुंचा देता है, ये मैंने सूर्य से सीखा। तीसरी और बड़ी सुंदर बात जो मैंने सूर्य से सीखी कि अगर आप आंगन में 5 बर्तन और 5ों बर्तनों में जल भर दो और सूर्य के प्रकाश के नीचे रख दो तो नीचे भी 5 सूर्य प्रकट हो जाएंगे, उन जलाशय में भी अलग अलग सूर्य दिखने लग जाएंगे, जितने बर्तनों में जल उतने सूर्य प्रकट हो जाएंगे। पर फिर भी सूर्य को इसका कभी अभिमान नहीं होता, वो सदा एक स्थिर में रहता है। और चौथा सबसे बड़ा गुण जो मैंने सूर्य से सीखा कि सूर्य कभी अवकाश नहीं लेते, सूर्य का कभी अवकाश नहीं होता, चंद्रमा भी एक दिन अवकाश पर जाता है, तारे भी कभी कभी अवकाश में जाते हैं, वायु भी कभी कभी अवकाश में चली जाती है, महाराज परेशान हो जाते हैं आज तो हवा ही नहीं चल रही, लेकिन सूर्य कभी अवकाश नहीं लेते। जिस दिन बादल आ जाते हैं वो बादल सामने आए हैं, सूर्य तो यथावत अपने स्थान पर है, और हमको लगता है कि सूर्य अस्त हो गए पर नहीं, विदेश में उस समय सूर्य पुनः उदय हो चुके हैं, सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेते, अवकाश नहीं करते, इसलिए सदैव अपने कर्तव्य और अपने कर्म में लगे रहते हैं, अवकाश विमुक्त रहते हैं, इसलिए मैंने उनको अपना गुरु बनाया। तो ये 4-5 गुण हैं जो श्री दत्त भगवान सूर्य में देखते हैं और सूर्य को देख करके अपना गुरु बनाते हैं। यदु महाराज आनंद में भर रहे हैं और श्री दत्त भगवान ऐसे सुंदर गुणों का अवलोकन कर रहे हैं। बोला अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अनेकताओं में रहते हुए भी एकता का कभी त्याग नहीं करता, ये मैंने सूर्य से सीखा। अनेकताएं हैं उनकी, और सूर्य का एक स्वभाव और है, क्या
कि सूर्य को प्रवेश करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है बस, और वो एक स्थान भी उनको मिल जाए तो वहां से भी प्रवेश कर जाते हैं। कितनी भी कोठरी बना लो, एक जरा सा छिद्र भी, आपने बहुत महीम सा छिद्र भी छोड़ दिया तो सूर्य नारायण वहां से भी प्रवेश कर जाएंगे। मतलब सूर्य नारायण से मैंने क्या सीखा कि अगर उनको एक अवसर भी मिले किसी वैष्णव के चित्त में प्रकाश करने का, किसी व्यक्ति व्यथित व्यक्ति के जीवन में प्रकाश करने का एक अवसर भी यदि मिले तो सूर्य उसको गवाते नहीं है। सूर्य उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार करके वहां से भी उसके चित्त में प्रकाश कर देते हैं। ये मैंने सूर्य से सीखा कि कभी कोई व्यथित व्यक्ति मिले तो ये प्रयास मत करो कि ये पहले व्यसन छोड़े, पहले शुद्ध हो, पहले ऐसा हो तब इसका उद्धार हम करेंगे। नहीं, सूर्य से मैंने सीखा एक अवसर भी यदि मिले उस अवसर को श्रेष्ठता मान करके प्रकाश कर दो, तुरंत उसको श्रेष्ठ बनाने का एक बार तो प्रयास करना चाहिए। ये मैंने सूर्य से सीखा। ऐसे सूर्य के, ऐसे श्री दत्त भगवान के इन गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमन कृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किल यस्य गोप बद्ध। बंधुओं, आपके मन में एक बात नहीं आती, आज आठवां दिन है ना आज कथा का, आठ दिन हो गए अभी तक हम प्रथम स्कंद का आधा ही सुन पाए हैं। श्रीमद् भागवत कितनी अथाह है। अभी हमको ऐसा लग रहा है कि आठ दिन में केवल आधी प्रथम स्कंद भी आधा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इतना सब कुछ केवल इतने से भाव में है, पूरी भागवत जी कैसी होंगी। कितने विषय तो ऐसे हैं जो अभी तक मेरे अवलोकन में भी नहीं आए। मैं तो चाह रहा हूं कि मैं जल्दी से पूर्ण करूं, ये भी मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आठ दिन में अभी हम भीष्म स्तुति पर पहुंचे, मैं और ठहर के करूं तो शायद इतना भी नहीं हो पाए, पर मुझे कुछ प्रसंग है आगे कि उनका स्पर्श करना है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा तीव्र कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मन में भाव आता है कि कैसी है श्रीमद् भागवत जी, कितनी विस्तार है। एक विषय पर ही आप संपूर्ण मास कथा कर सकते हैं। आज अभी दो चार दिन पहले हुई थी चातुर्मास कथा की बात, आज एक बार तो और हो गई कक्ष में, राज भोग करके महाराज जी कक्ष में आए तो भैया जो संघ में पधारे हमारे, वो बोले अब यहाँ यहाँ पर 111 प्रश्न हो चुके गायत्री के, 113 गायत्री प्रश्न हो चुके हैं दत्त धाम पर। ये सामान्य बात नहीं है, व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रश्न कर ले बहुत बड़ी बात है। 24 लाख जाप, और वो भी पूरे नियम में रह करके। यहाँ कितने सारे लोग गायत्री पुरुषण कर रहे हैं, अभी हमारे काका का ही चल रहा है, मुकुंद काका का शायद 1.5 महीना बचा है अभी। इतने सारे गायत्री पुरुषण यहाँ चलते रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने, अब मौन था तो इशारे में मैंने कहा कि सबने एक एक तो करी रखे हैं, तो मैंने कि एक में, तो फिर वो बोले फिर तो आपकी क्या कौन सा कथा बताई थी। हाँ बोले, फिर तो संबत्सर कथा होगी आपकी यहाँ पर। संबत्सर कथा, महाराज जी ताली बजा रहे, कहीं लिख के दे नहीं दे, एक संबत्सर कथा और करो। फिर तो कितने 16 महीने महाराज जी, उसमें भी अभी हम बड़ा सूक्ष्म सा अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमको समय नहीं मिल पाता, और पुरुषण करेंगे तब तो फिर कितना समय लगेगा। घर वाले मेरे देख रहे होंगे टीवी पर कथा, क्यों कह रहे होंगे आज इससे बात करते हैं शाम को, रुक जा अभी चातुर्मास भी इसको कम पड़ रहा है, अभी एक पूरी संबत्सर कथा करके आएगा वहां पे। लेकिन बड़े प्रसन्न है महाराज जी, कोई ऐसी वो नहीं है, बस वो गृहस्थ है ना तो इसलिए थोड़ा भाव आता है उनके चित्त में, और कोई ऐसी बात नहीं है। वो बड़े प्रसन्न है, वो तो मन भी बना रहे हम भी आ जाए। मैंने कहा देख लो ना, बात करूंगा ना छुबूंगा, अगर इस भाव से आओ तो आना। तो हमारी बहनें बोली हम तो छू देंगे। मैंने कहा भाव ऐसा है कि छूने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे अगर आपने मेरा स्पर्श किया तो। और मैंने कहा फिर पाप और लग जाएगा, तो इसलिए आप स्पर्श मत करना। तो बड़े भाव में है सब, लेकिन मन में एक बात, कितने मेरे को तो बार बार भाव आ जाता है भागवत जी के प्रति। कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये जीवन पूरा इनके लिए बना है, समर्पित होने के लिए। कितनी विस्तृत है श्रीमद् भागवत। मुझे लग रहा है कि संवत्सर कथा क्या मैं 100 जन्म भी बोलता रहूंगा तो भी भागवत जी पूरी नहीं हो पाएंगे, इतनी विस्तार है भागवत जी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं, आज भी कहते हैं कि कितने सारे भाव हैं वो हमने स्पर्श ही नहीं करे, 50 वर्षों में स्पर्श नहीं किए, आधा जीवन। मतलब उनकी आयु तो 63 वर्ष की हो गई, 14 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं, आज तक कहते हैं कि अभी भी अधूरी हैं भागवत जी। कितनी विस्तार है, मतलब कितना विषय भागवत जी का ऐसा है जो हम बिना देखे ही प्राण त्याग देंगे अपने। इस बात को सोच के मुझे चिंता हो रही थी कि कितने विषय ऐसे हैं जो शायद पूरे जीवन में हम पूरा जीवन भी बोलते रहेंगे तो भी उनके स्पर्श तो हम कर ही नहीं पाएंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, ऐसे श्री व्यास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये साक्षात श्री कृष्ण हमको प्रदान किए। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं और स्तुति गाते हुए अब वृंदावन को याद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ललित गति विलास बलगुहास, भीष्म स्तुति का सबसे सुंदर श्लोक है ये। प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रकृति मगन किलयस्य गोप वत्थ। ठाकुर जी, मैंने आपके बहुत सारे रूप देखे हैं, आपके विराट रूप का भी दर्शन किया है, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है, आपके द्वारिकाधीश राजाधिराज रूप का दर्शन किया है, 16,108 पत्नियों के रमण स्वरूप का भी दर्शन किया है, पर नाथ मैं अभी एक दर्शन से वंचित हूं। कौन सा दर्शन? बोले आपकी ललित त्रिभंगी स्वरूप का मैं दर्शन नहीं कर पाया हूं ठाकुर जी। आपकी वो ललित त्रिभंगी चाल, जब आप बांकी अदा से खड़े होते हैं, टेढ़े से खड़े होकर के अपने दोनों चरण कमलों को आपस में मोड़ देते हैं, कमर भी टेढ़ी कर लेते हैं, अपने मुख को भी टेढ़ा सा झुका देते हैं, उस पर टेढ़ा सा मुकुट पहन लेते हैं, आपकी वो त्रिभंग ललित स्वरूप का ठाकुर जी मुझे एक बार दर्शन करना है। कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। श्री अष्ट सखा वर्णन करते हैं, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको बाकी चाल चलत गो बाकी चाल चलत गोकुल में, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको बाकी भौह चरण रति बाकी, बाकी मतलब टेढ़ी, बाकी भौह चरण गति बाकी, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बा। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले सब ही अंग को बांको, एक भी अंग सीधा नहीं है ठाकुर जी का वृंदावन में, केवल वृंदावन में, बाकी सब जगह तो ठाकुर जी सीधे ही हैं, लेकिन वृंदावन में कैसे हैं ठाकुर जी? जलेबी से सीधे हैं, जैसी जलेबी होती वैसे हैं हमारे ठाकुर जी। हाथ भी टेढ़ी, पाम भी टेढ़े,
और संग में एक लठिया लेके चलते हैं, वो भी टेढ़ी, और उसमें भी अपने मुख भी टेढ़ो और वहां में मुकुट भी सीधो ना पहने, वो भी टेढ़ो, सब टेढ़ो 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 पहन लें ठाकुर जी, ऐसे बाके हैं। इसको कहते हैं ललित त्रिभंगी स्वरूप, और वृंदावन में कहते हैं बांके बिहारी, टेढ़े बिहारी। किसी ने कही भैया ठाकुर जी इतने टेढ़े मेढ़े काई कुए, बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं ठाकुर जी ललित त्रिभंगी क्यों हैं? उसके पीछे एक भाव कहते हैं, बोले कि भैया यदि सीधी वस्तु किसी स्थान पर, किसी पोले स्थान पर डाल दी जाए तो सहजता से पुनः वापस आ सकती है, परंतु कोई त्रिभंगी वस्तु किसी सहज सीधे स्थान पर डाल दी जाए तो वो सहजता से वापस नहीं आ सकती। हमारा चित्त, उस चित्त में यदि कोई स्पष्ट और सीधा सीधा प्रवेश कर जाए तो निश्चित है सीधा सीधा और स्पष्टता से बाहर भी आ जाएगा, लेकिन एक बार यदि त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रवेश कर गए तो पहले तो प्रवेश करवे में ही बड़ी दिक्कत होगी, क्यों टेढ़े मेढ़े हैं, हृदय के भीतर जैसे जैसे तैसे प्रवेश करेंगे, लेकिन एक बार यदि प्रविष्ट हो गए तो फिर वापस निकलना बड़ा मुश्किल है, क्यों टेढ़े हैं ठाकुर जी, सीधे ना कर सके, भीतर जाके फंस जाएंगे और फिर भीतर ही रहेंगे। इसलिए ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, हरी हे श्री जी, कहा चंद्रमा को देखो, चंद्रमा को देखो कह रही हो, अरे आपको मुख देखवे के बाद चंद्रमा देखवे की इच्छा ना आ रही है। श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सब ही गुमान, फीकी पड़ेगी उजियारी बाट सब देखे ब्रज नारी। श्री जी ने जब ठाकुर जी की बात सुनी, ठाकुर जी से बोली बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करो तो कोई आपते सीखे हैं, ऐसी स्वयं भी टेढ़े हो टेढ़ी मेढ़ी सी बात करो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, बात टेढ़ी काई कुएं लाला तेरी, क्योंकि तेरो अंग भी तो टेढ़ो है। सोई ठाकुर जी खड़े है गए, बोले तुम्हें पता हो मेरो अंग भेड़ होती है ना, वो उसको कितना भी रोको अगर आगे वाली कुआ में कूद गई तो सब कूदेंगी। अब इसको ढीठता तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ थोड़ा ऐसा ही होता है ढीठ। तो श्री जी कह रही है महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। तब लाल जी कह रहे हैं, बोले तुम्हें एक बात ना पता, बोले कहा, बोले ढीठ को मतलब रे जो एक कार्य को करे मना करवे पे बहु कोई करतो रे, ढीठ है भैया यही में लगो रे को, या को मतलब है ढीठ बहुत भोरो होवे, भोलो और बहुत भोला होता है, इसीलिए ढीठ बोल रही हो आप मुझे। तब ठाकुर जी कह रहे हैं चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत मैं भोरन को भगवान, बिचारो भोरो भंडारी बात सब देखे ब्रज नारी। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। आह ये हमारे ब्रज को भाव है भैया, ब्रज को भाव थोड़ा रसिक जनन कोई समझ में आवे, पर श्री गोदावरी जी के तट पर यहां कोई हो चाहे नहीं हो, दत्त भगवान सबसे बड़े रसिक हैं। ये हमसे कथा यही मारे ही सुनने ताकि ब्रज के कछु भाव इनको सुनाई दें। भीतर बैठे बैठे ब्रज को याद कर रहे होंगे, खूब आनंद में आ गए होंगे। अच्छा देखो टेढ़े तो ये भी खड़े हैं यहाँ पे, दत्त भगवान भी टेढ़े ही खड़े हैं, ये सीधे नहीं खड़े हैं, क्यों? अब भाई अवतार तो श्री कृष्ण अवतार, वो दत्त भगवान वही बन के आए हैं तो अपने अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगे टेढ़े खड़े होने का। तो यहां हमारे यहां बहुत टेढ़े खड़े हैं, थोड़े से बांके से खड़े हैं, और ये बांके भय कैसे हैं? ठाकुर जी आरोप लगा रहे श्री जी पर, तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हमारे एक पद गाते हैं प्रेम भैया, एफ लो, एफ लो या फिर उसी में चौथा ले लो, टेढ़ी टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया। आह बहुत सुंदर भाव है।
हो टेढ़ी टेढ़ी रे लाल तेरी, टेढ़ी रे श्याम तेरी, तिरछी नजरिया जी। हमारे ब्रज के भाव में आता है कि गोपियां आपस में चर्चा करती हैं और चर्चा करते हुए सब में होड़ लगी है कौन यमुना जल भरवे जाएगो। या मारे नहीं कि यमुना जल लानो, या मारे कि श्याम सुंदर में बंसी बजा रहे हैं। तो एक बड़ी गोपी सबको सीख देती है, बोले जमुना जल भरवे तो चली जाइयो, लेकिन एक चीज को ध्यान रखियो। बोले कहा, श्याम सुंदर जब देख रहे हो ना तभी उनकी तरफ देखियो जब उनके बिल्कुल सामने हो, वो कहीं कोने में बैठे हो और वहां से तिरछो यदि उनने तो को देख लियो तो वापस घर नहीं आ पाएगी। मतलब ठाकुर जी जब तेरे सामने आ जाएं तभी नजर उठा के देखियो, कहीं कोने में खड़े हो, कहीं तिरछे खड़े हो और वहां से वो तिरछी नजर से तो को देखें, ऐसो कछु होन मत दियो, कहीं उनने कटाक्ष तिरछे नजर से तो को देख लियो, ऐसे करके यदि देख लियो तो तू घर वापस नहीं आ पाएगी। ऐसे तिरछे कटाक्ष हैं ठाकुर जी के। विष्णु पितामह कह रहे हैं मुझे ये रूप देखना है आपका, जहां आप सीधे देखते भी नहीं है, तिरछी नजर है, तिरछी अदा है, तिरछे हाथ हैं, तिरछे पैर हैं, तिरछा मुख है। ओ टेढ़ी तेरी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी, तिरछी नजर ठाकुर जी का क्या क्या टेढ़ा है। हमारे ब्रजवासी गा रहे हैं, मुकुट तेरो टेढ़ो हाँ, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी, मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट बजा के गाओ। और ये जो छवि का वर्णन हो रहा है ना, इसको अपने चित्त में देखो कैसे ठाकुर जी। श्री राधा रमण लाल की, वो
तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो अरे हार लाला टेढ़ी रे अरे हार लाला टेढ़ी अरे हार लाला टेढ़ी रे अरे हार लाला टेढ़ी रे अरे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी मथुरा नगरी सब टेढ़ी ग्वाला सब टेढ़े गोपी सब टेढ़ी ग्वाला सब टेढ़े हाँ गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े गोपी सब टेढ़ी और ग्वाला सब टेढ़े अब ये इतना टेढ़ा टेढ़ा क्यों बताया जा रहा है बंधुओं ये बात इसलिए कही जा रही है बोले लाला ये तो हाल हमारो तब है जब तक अभी तक तू मिलो ना है हमें तो कुछ देखो ना है हमने तेरे ब्रजवासी देखे तेरे वृंदावन देखो तेरी जमुना जी देख ली है वहां से ये हाल है कि हम इतने प्रेमी है गए सब टेढ़े हैं ब्रजवासियों टेढ़े हैं सबरे ग्वाल वाल टेढ़े सबरी गोपी टेढ़ी है ये सब टेढ़े टेढ़े इनको देख करके वृंदावन से इतनी प्रीति है गई तो लाला तो कुछ देख लियो तो कहा होएगो हाँ गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े गोपी सब टेढ़ी और ग्वाल सब टेढ़े अरे हार लाला टेढ़ी रे अरे हार लाला टेढ़ी अरे होर लाला टेढ़ी रे होर लाला टेढ़ी अरे हार लाला टेढ़ी रे श्याम तेरी यशोदा टुकरिया आशाम आप सबको ब्रजभाषा समझ आती है ना सच में मैं गा तो देता हूँ लेकिन मुझे बड़ा भय लगता है भीतर से समझ आ रही होगी कि नहीं अब यहाँ क्या कह रहे हैं हाँ रे लाला टेढ़ी रे शाम तेरी यशोदा डुकरिया डुकरिया का मतलब जैसे हमारे यहाँ ब्रज भाषा में जब बूढ़े बाबा हो तो उसको बोले डोकरा और बूढ़ी मैया उसको बोले डुकरिया तो ये ब्रज भाषा का शब्द डोकरा डुकरिया डोकरा डोकरी अरे हार लाला टेढ़ी रे हार लाला श्याम तेरी यशोदा टुकरी सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी हाँ भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी भक्त सब टेढ़े भक्तानी सब टेढ़ी अरे हार लाला टेढ़ी रे अरे हार लाला टेढ़ी रे हो श्याम तेरी प्रेम की नगरिया श्याम हाँ टेढ़ी रे हरे लाला
लाल की जय। ऐसे टेढ़े हैं हमारे ठाकुर जी, और भीष्म पितामह पूरी स्तुति के विश्राम में कह रहे हैं मुझे वो स्वरूप आपका देखना है ना। ललित गति विलास वल गुहास, आहा आपकी अटपटी चाल, एक एक पद आता है उससे सखाओं का, चाल अटपटी सो है बला तेरी, चाल अटपटी सो है। गिरधर सब ही अंग को बांको, बांकी चाल चलत गोकुल में छेल छबीलो काको, बांकी बोह चरण गति बांकी, बांको हृदय है ताको, परमानंद दास को ठाकुर कियो खोर ब्रज सांको, गिरधर सब ही अंग को बांको। मुझे वो बांकी अदा से देखना है, और केवल आपकी ललित गति का दर्शन नहीं करना है मुझे, और क्या करना है? भीष्म पितामह कह रहे हैं कृतम अनुकृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। कृतम अनुकृतवत्य उन्मदांध, जहां आप स्वयं की क्रिया को, स्वयं की क्रिया से परे रहते हैं, आप स्वयं कुछ नहीं करते, तो गोपियां ही आपसे सारी क्रिया करवाती हैं, ब्रजवासी ही सारी क्रिया आपसे करवाते हैं। आप पर ब्रह्म होते हुए भी वहां स्वच्छंद नहीं हैं, वहां गोपियों के इशारे और ब्रजवासियों के इशारे पर आप सब करते हो। मैंने महाभारत युद्ध में देखा आपके इशारे पर सब हो रहा था, पर मुझे अब वो देखना है जहां सबके इशारे पर आप रहते हो। यशोदा मैया कहते बैठ जा लाला, दारी के हिलियो मत यहां थे, पर ब्रह्म चुपचाप बैठो है, हिल ना सके, ऊपर उठा के देख भी नहीं सकते, क्यों? यशोदा मैया डांट देगी। मुझे वो रूप देखना है आपका। सबको तो आप नचाते हो नाथ, सबको तो आप अपने अपने मन भाव से क्रिया करवाते हो, पर आप जिन ब्रजवासियों के मनोभाव से क्रियाव्रत होते हो, मुझे वो स्वरूप आपका देखना। आह कृत मनु कृत वत्य उन्मदांध। गोपियां ठाकुर जी को माखन का प्रलोभन देती हैं, ठाकुर जी खाने आ जाते हैं तो गोपियां कमरा बंद करके ठाकुर जी को भीतर बैठा लेती हैं। अच्छा माखन खाएगो? बोले हाँ। बोले ऐसे ना खा सके, कचू करके दिखा। ठाकुर जी बोले कहा करूं बताओ, और नाच के दिखा पहले। गोपियां हाथ में मक्खन लेकर के बैठी हैं, ठाकुर जी उनके सामने नाच रहे हैं। पर ब्रह्म जगतपति त्रिलोकीनाथ नृत्य कर रहा है, अपनी अपनी इच्छा से कमरा से बाहर नहीं जा सकते। गोपी ने पकड़ रखे, बोले पहले नाच। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, बोले अब दे दो हमें मक्खन। तो गोपी क्या करती है, नेक से मक्खन ले और चटा दे। बोले बढ़िया। ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया, और दे। बोले और तब मिलेगो, पहले बंदर की तरह करके दिखा। सो ठाकुर जी बंदर बन जाते हैं, बंदर की तरह खौ खौ करते हैं, बंदर की तरह उछलते हैं। गोपी कहती है अच्छा ये ले नेक्स्ट सॉल। अच्छा और चाहिए? बोले हाँ मुको और चाहिए। बोले अच्छा पहले मेरी गोद में आ। ठाकुर जी गोद में आ जाए। बोले ऐसे नहीं, पहले मुको हृदय से लगा। ठाकुर जी ऐसे हृदय से लगा लें, गोपी का मन रूपी वो भाव पिघल जाता है ठाकुर जी के उस भाव पर। भीष्म पितामह कहते हैं नाथ मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष भाव से कहना चाहता हूं कि अगले जन्म में मुझे ब्रज की कोई गोपी बना देना, मैं भी अपने घर में सुंदर दूध का मक्खन बना करके जमाऊं, और हाथ में लेकर के लोभ दे करके पर ब्रह्म को मैं भी घर बुलाऊं, और घर बुला करके मैं भी अपनी मनवांछित इच्छा पर ब्रह्म से पूरी कराऊं। इसलिए नाथ मुझे ब्रज की कोई गोपी बना देना। बहुत सुंदर भाव है भीष्म पितामह का, ब्रज की कोई गोपी बना दो। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। आज आज कोई एक प्रश्न आया है, उसमें मुक्ति के लिए पूछा गया कि मुक्ति मुक्ति कैसे मिलेगी हमें, ये बताओ। भैया देखो, हम अपनी कथा में स्पष्ट एक बात कहते हैं कि एक बार प्रश्न सुन लो फिर उसका उत्तर देते हैं। मोक्ष मुक्ति के लिए क्या करना, इसका हाल तो है, इसका हल तो है, लेकिन अगर हमें
हरि सेवा के लिए बारंबार जन्म लेना हो तो क्या करना चाहिए? इसे विस्तार से बताइए। मतलब सीधी बात, जिन्होंने ये प्रश्न किया है उनका भाव ये है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें ठाकुर जी की बारंबार सेवा चाहिए। यही तो भागवत जी का वरदान है, भागवत जी यही तो बताती हैं। अभी द्वितीय स्कंद प्रारंभ होगा, वहां यही विषय है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो, क्योंकि मुक्ति के पश्चात होता क्या है, हम लोगों को वैकुंठ प्राप्त हो जाता है, हम वैकुंठ में निवास करते हैं, ठाकुर जी के संग रहते हैं। पर जो सेवा सुख कब मिलता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक जीवन में अभाव और वियोग नहीं आएगा तब तक सेवा सुख नहीं मिल सकता। और वैकुंठ में ठाकुर जी आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे तो वहां पर अभाव और वियोग नहीं होगा, और अभाव और वियोग के बिना सेवा सुख नहीं होता। प्रेम तब तक ही होता है जब तक थोड़ी दूरी बनी रहे, अति सामीप्य होते ही प्रेम थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है। इसलिए पुनः वृंदावन मिले, पुनः हमको यही जन्म मिले, इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं है, ये भी ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। इस जन्म में ठाकुर जी की सेवा करके इतना उनको प्रसन्न कर दो, इतना उनको रिझा दो कि ठाकुर जी अगला जन्म भी फिर से आपको कोई भक्त रूप में दें, फिर से अपनी सेवा प्रदान कर दें। हम तो महाराज जी एक बात कहते हैं कि एक बात निश्चित है कि जीवन भर हमसे और तो कुछ होना नहीं, हम बस कथा करने के लायक हैं, कथा कर सकते हैं और जीवन भर करेंगे, कोई नहीं कराएगा। ऐसी कभी समय आ गया कि कथा ना भी करनी पड़ी, कोई किसी ने नहीं कराई, तो हम पे उसका भी एक उपाय है। पहले महाराज जी जब कथा प्रारंभ की थी दास ने, तो 2015 में पहली बार कथा की, तो प्रथम कथा के बाद फिर बहुत दिनों तक कथा नहीं हुई। अब पिताजी से मैं कहता तो था, आप किसी को बोलो मेरी कथा करा ले, पिताजी कहते बोले नहीं, कोई खुद आएगा कि हमको इनकी कथा सुननी है तो ही कथा होगी, हम किसी को नहीं बोलेंगे कि कथा कराओ। पिताजी इतने व्यस्त रहते, हम कहते एक आध कथा अपनी हमको प्रसाद में दे दो लेकिन हमारे पिताजी ने कभी बोले नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे पुत्र की कथा कराओ, कोई सुन करके प्रसन्न होकर स्वयं आएगा तो फिर सुना देंगे, तुम सुनाना। मैं ठीक है। उस समय पिताजी ने एक सुंदर भाव किया, नाना जी और पिताजी दोनों के भाव, बोले लाला मैंने कि मैं पूरे दिन बैठा रहता हूं घर पर, मेरा मन होता है कि गुरुजी जो पढ़ा के गए मैं भी किसी को सुनाऊं। तो हमारे पिताजी ने और नाना जी ने एक सुंदर उपाय बताया, बोले लाला तू एक काम करे कर, गौशाला जाए कर, गौशाला में कितने सारे श्रोता मिल जाएंगे तुमको, हैं छोटी छोटी बछिया बछड़ा गैया ये सब श्रोता हैं, और ऐसे ध्यानपूर्वक सुनने वाले श्रोता तुमको संसार में कहीं नहीं मिलेंगे, ध्यानपूर्वक तो सुनेंगे, बिल्कुल हल्ला नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने कहा ये बढ़िया। महाराज जी मैं आज भी सोच उस स्थिति को स्मरण करके बड़ा भावुक हो रहा हूं। करीब एक वर्ष तक लगभग मैं रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके 4:15 बजे स्नान करके और गौशाला जाता था, और गैयाओं के बीच में ही एक तखत लगा के व्यासपीठ बन गई मेरी, मैं भागवत जी रख के और फिर उन गैयाओं को ही कथा सुनाता था। और महाराज जी जब कथा में नंदोत्सव होता था तो गुड़ उछालता था मैं, बधाई हो, तो गैया खाती थी उसको। कितनी गायों के तो प्रसव हुआ बीच कथा में, बछड़ा बछिया ने जन्म लिया बीच कथा में, और 2-4 गैयाओं ने परम पद की प्राप्ति भी कथा सुनते सुनते करी। अब महाराज जी घर में रहते थे तो घर में कभी कोई मौसी के यहाँ कार्यक्रम, भुआ के यहाँ कार्यक्रम चला गया मैं, तो हमारे ग्वारिया बाबा बताते बोले कि आज हमारी यहाँ गौशाला में एक तो सुबह आप आए नहीं तो गैयाएं सब रम्मा रही थी, बोले ब्यास जी क्यों नहीं आए आज कथा सुनाने। और एक और परिणाम देखने को मिलता कि शाम को जब दूध आता था घर पर तो उसका था कि इतना लीटर दूध आता था, करीब थी 50 गैया थी तो उनका काफी दूध आता था, जिस दिन कथा सुनाने नहीं जाता था उस दिन 10-5 किलो दूध कम आता था, गैया दूध ही नहीं देती, आज प्रसन्न नहीं है कथा नहीं सुनी पूरे दिन। हमने अपने जीवन की प्रारंभिक कथाएं सबसे ज्यादा गैया को सुनाई है, ब्रह्म मुहूर्त में सुनाई, सानी होती थी उसी समय कथा सुनाते थे।
तो कभी हमने सोच रखा है कि कभी भविष्य में, क्योंकि भाई सबका जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी यदि कथाएं विराम हो गई, नहीं हुई, अवकाश नहीं हुआ इतना, तो हम पे जगह है, हम अपनी गौशाला में गैयान को सुनाएंगे, और अपनी गौशाला में जब गैयाओं को सुना देंगे तो दत्त धाम आ जाएंगे, यहाँ गैयाओं को सुना देंगे। और ऐसे हमारे कई संत महापुरुष में बहुत स्नेह करते हैं, सबकी गौशाला है, सबसे कहेंगे एक रुपया लगेगा नहीं, हमको गैयाओं के बीच में बस तखत लगा देना, गैयाओं को सुनाएंगे। वाह, तो पता नहीं किस विषय पर शुरू किया था, हाँ मुक्ति। तो एक बात तो निश्चित है महाराज जी कि हम जीवन भर कथा करेंगे, इसके अलावा हमसे कुछ होगा नहीं, और कथा के परिणाम स्वरूप यह भी हमको पता है कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे, विश्वास आता है मन में कि ठाकुर जी मुक्ति देंगे, पर हम मुक्ति प्राप्त करके जैसे ही ठाकुर जी के पास जाएंगे तो ठाकुर जी से निवेदन करेंगे एक कथा हमारी वैकुंठ में और कराओ। वैकुंठ में कुछ मत करो ठाकुर जी, आप पे समय नहीं है, जितनी देर समय हो उतना वो समय हमको बता दो, आप सोते सोते कथा सुन लेना, हम तब भी सुनाएंगे, और इसी बहाने ठाकुर जी को 7 दिन कथा सुना देंगे, 7वें दिन ठाकुर जी कहेंगे हाँ भैया हो गई कथा पूरी, जय हो व्यास जी आपको प्रणाम। मैंने कहा ऐसे नहीं, दक्षिणा दो, दक्षिणा मांगेंगे। ठाकुर जी कहेंगे क्या चाहिए दक्षिणा, बोले फिर से वृंदावन भेज दो हमको, और फिर से वृंदावन में हमको कथा वक्ता ही बना के भेज दो। मैं तो अपने लाल जी के उत्सव की एक बधाई भी लिखी महाराज जी, बधाई में दी जो श्री ब्रजधाम, वन उपवन और मोर बानर में कहीं लिख ली जो मेरो नाम, बधाई में दी जो श्री ब्रजधाम, सघन कुंज में रमण करो प्रभु निरक निरक सुख पाऊं, बधाई में दी जो श्री ब्रजधाम। तो जिनका ये भाव है कि हमको पुनर्जन्म चाहिए ठाकुर जी की सेवा के लिए, अगर मुक्ति मिल जाए तो ठाकुर जी की कुछ सेवा कर देना ऊपर जाके, और सेवा करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं तो प्रसन्नता में कहेंगे वरदान मांगो, तो वृंदावन मांग लेना, बोले हमको वृंदावन दे दो, फिर से जन्म दे दो, ऐसा कर। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, अब स्तुति के अंत में तो भीष्म पितामह अपने संपूर्ण भावों का स्मरण करते हैं, और एक टक ठाकुर जी को देखते 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 त्रिभंग ललित स्वरूप ठाकुर जी का एक क्षण के लिए ठाकुर जी द्वारिकाधीश से त्रिभंग ललित स्वरूप में आ गए, एक क्षण के लिए, और तभी उत्तरायण के सूर्य हुए, सूर्य जैसे ही उत्तरायण में पहुंचे हैं, उत्तरायण के सूर्य होते ही भीष्म पितामह के मुख से दिव्य ज्योति निकली, उनके प्राण स्वरूप निकले और श्री भगवान के श्री अंग में जाकर के विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बंधुओं, अपने जप तप नियम साधना सबके फल में ऐसी मृत्यु मांगो ठाकुर जी से। देखो जीते जी जो मिलना है वो सब कर्म पर निर्धारित है, आप भजन से अपने जीवन में आने वाले भावों को ज्यादा सुंदर नहीं बना सकते, लेकिन हाँ भजन से, अपने जप से, अपने नियम से, अपनी साधना से ठाकुर जी को प्रसन्न करके उनसे ऐसी मृत्यु जरूर मांग सकते हो जैसी भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह ठाकुर जी की स्तुति गाते हुए, ठाकुर जी को देखते हुए ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। भगवान के नेत्रों से एक अश्रुबिंद गिरा भीष्म पितामह को याद करते हुए। भगवान ने अपनी आंखों के आगे पांडवों से कहकर के भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार करवाया, और कथा ऐसी भी आती है कि भीष्म पितामह का भाव था कि मेरा संस्कार वहां करना जहां किसी का संस्कार ना हुआ हो, तो पूरी पृथ्वी पर एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी का संस्कार नहीं हुआ, पूरी पृथ्वी शमशान है, सब जगह किसी ना किसी का कभी ना कभी संस्कार हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले वेद मंत्रों के द्वारा
और हमारे वैदिक नियमों के द्वारा उस स्थान को पवित्र किया जाता है। वहाँ गोबर का मार्जन किया जाता है, वहाँ जल छिड़काव करके वेदत ध्वनि के साथ पर पुष्प अक्षत आदि अर्पित किए जाते हैं, सुंदर दिव्य वैदिक स्वरूप वहाँ बनाए जाते हैं, पूजन किया जाता है, गणपति आदि प्रतिष्ठान किए जाते हैं, तब जाकर के वहाँ पर कोई शुभ कार्य होता है। क्योंकि संसार पूरा शमशान है, ये पूरी पृथ्वी भूमंडल सब जगह कुछ ना कुछ हुआ है। आपकी तो नहीं पता, लेकिन मुझे, मैं अपनी एक भावना बता रहा हूं कि मैं तो जगह जगह जाता हूं, मुझे जगहों पर जाने मात्र से और वहां गाड़ी से उतरते ही वहां की जो एनर्जी है, जो वहां का वातावरण है, वो स्पर्श करता है, नकारात्मक रूप से भी और सकारात्मक रूप से भी। जहां कहीं भी नकारात्मक ऊर्जाएं स्पर्श करती हैं तो मन में भाव आ जाता है कि निश्चित ही यहां वैदिक क्रियाएं बहुत कम हुई हैं, यहां संतों का आगमन, यहां जप नियम साधना भगवत सेवा बहुत कम हुई है, इसीलिए नकारात्मकता आ रही है चित्त में। लेकिन कहीं आकर के देहाभिमान शून्य हो जाए, कहीं आकर के देह की सुध भी ना रहे, बेमतलब ही प्रसन्न है, बिना किसी कारण ही प्रसन्नता चित्त में हो रही है, ऐसी स्थिति जब होती है तो पता चल जाता है कि स्थान परिपूर्ण सकारात्मक रूप से विद्यमान है। अब दत्त धाम की तो हम कहें क्या, यहां तो क्या ही हो रहा है पता नहीं, मौन है फिर भी खुश है, बोल नहीं रहे फिर भी खुश है, अब व्यवस्था में भी प्रसन्नता हो रही है चित्त को, तन को, क्योंकि ये सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहां वैदिक क्रिया और ना जाने कितने जप तप नियम सब होते रहते हैं, उन सबके वजह से यहां का वातावरण अत्यंत शुद्ध हो चुका है। तो पूरी पृथ्वी पर कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां भीष्म पितामह का संस्कार हो सके। तो ऐसा एक कहीं कथा में किसी ने, मैंने सुना था कि भगवान ने विराट रूप धारण करके एक सुई को, सुई पिरो दी पृथ्वी में, केवल एक सुई के नोक के बराबर जमीन थी जहां जो शुद्ध थी, और उसके ऊपर ठाकुर जी ने ही अपने हस्तकमल की सुंदर हथेली पर ही चिता आदि अर्पित करके और भीष्म पितामह को अग्नि संस्कार करवाया, ऐसा कहीं सुना है, विराट रूप से ठाकुर जी ने ऐसा करवाया। भीष्म पितामह को भगवान ने अपने चित्त में विलीन कर लिया। बंधुओं, भक्त स्वर्ग नरक वैकुंठ आदि, वैकुंठ तो है ही, स्वर्ग नरक आदि आदि इन सब स्थानों पर नहीं जाते। भक्त भजन से, साधन से, अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के चित्त में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे अंग अंग में रोम होते हैं ना, ऐसे ही भक्त ही ठाकुर जी के अंग में रोम बन करके सदा उनके साथ रहने लग जाते हैं। इसलिए हमारे यहां भक्ति अपने पुण्यों के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए और भगवत प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। हरि प्रसन्न हो, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने चित्त में निवास दे देंगे, जैसे भीष्म पितामह को दिया। भीष्म पितामह की अंतिम संस्कार आदि करा करके भगवान अब पांडवों से कहने लगे, हे पांडवों, अब आप लोग सब लोग अपने कार्यों में व्यवस्थित हो जाओ, मैं द्वारिका को प्रस्थान कर रहा हूं। भगवान की द्वारिका जाते समय हस्तिनापुर के सब लोग रुदन करने लगे, लेकिन युधिष्ठिर जी ने मन में एक भाव कहते हुए सबको शांत किया। बोले कि मन में विचार करो, इतने दिन ठाकुर जी हमारे साथ रहे और आज ठाकुर जी हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो हम इतने व्यथित हो रहे हैं। अरे विचार करो, जिन द्वारिका के लोगों के साथ ठाकुर जी रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमेशा बाल्यकाल से जिनके साथ रह रहे हैं, उनको छोड़ के ठाकुर जी यहाँ आए होंगे, तो उन यदुवंशियों की क्या स्थिति हो रही होगी, उन द्वारिका के लोगों की क्या स्थिति हो रही होगी। इस बात को सुनकर के हस्तिनापुर के लोगों ने चित्त को थोड़ा संभाला कि भाई द्वारिका के लोगों की भी तो व्यथा समझो, वो भी तो विचलित हैं। महाराज जी, एक कथा ऐसी बड़ी सुंदर मेरे को सुनने में आई। दक्षिण में एक स्थान है, आप कभी दर्शन को गए हैं कि नहीं, गुरुवायूर भगवान का बहुत सुंदर स्थान है गुरुवायूर। उनके स्थापना की कथाएं तो बहुत सारी हैं, पर एक कथा मुझे बड़ी प्रिय लगती है। मैं हर वर्ष जाता हूं गुरुवायूर, तिरुपति गुरुवायूर, हमारे तो श्री वैष्णव हैं तो हमारे इष्ट भी तिरुपति बालाजी, श्री रंगनाथ भगवान,
ये हमारे इष्ट हैं, तो बस लौटते समय में गुरुवायूर होते हुए आता हूं। आप गए महाराज जी गुरुवायूर कभी? एक बार गए गुरुवायूर, बड़े सुंदर बाल स्वरूप है ठाकुर जी का, छोटे से ठाकुर जी। तो गुरुवायूर ठाकुर जी कैसे विराजमान हुए उसकी कथा ऐसी सुनाई जाती है कि भगवान जब हस्तिनापुर में महाभारत युद्ध के लिए गए तो ठाकुर जी के विरह में द्वारिका के लोगों को विरह ताप हो गया, और जैसे महामारी कोरोना फैली थी ना अभी, ऐसी एक महामारी फैलने लगी द्वारिका में। कैसी महामारी? कि ठाकुर जी का किसी को विरह होता और इतना विरह होता कि वो ज्वर में परिणत हो जाता, और धीरे धीरे उस ज्वर का तापमान इतना हो जाता कि जिसको वो विरह होता उसका अंग पिघलने लग जाता, और उसकी इस स्थिति को जो देख लेता उसको भी वो रोग हो जाता। ऐसा रोग द्वारिका में सबको होने लगा। ठाकुर जी के दर्शन के विरह की महामारी फैल गई द्वारिका में। रुक्मणी जी को जब ये संदेश पता चला तो रुक्मणी जी को बड़ी व्यथित हो गई, क्या करें, द्वारिकाधीश तो महाभारत युद्ध में है। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा भगवान को, और भगवान को पूरी योजना बताई, बोले कि द्वारिका में आप कैसे भी करके कुछ क्षणों के लिए आ जाइए, नहीं तो पूरी द्वारिका जब तक आप लौट के आएंगे तब तक हो सकता है कि सब पधार जाएं यहाँ पे, क्योंकि एक महामारी फैली है, आपके दर्शन के वियोग में सब लोगों के प्राण निकलने को आतुर हो रहे हैं। भगवान ने जब ये पत्र देखा तो पत्र देख करके ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है, मेरा रहना बहुत जरूरी है, पर द्वारिका की भी रक्षा और द्वारिका को भी संभालना है। तो ठाकुर जी अर्जुन से एक दिन का अवकाश लेकर के द्वारिका गए, ये युद्ध प्रारंभ होने से पहले की बात। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका आए, द्वारिका में चरण रखते ही ठाकुर जी के तन की सुगंधि फैल गई पूरी द्वारिका में, और जिन जिन को रोग हुआ था कृष्ण विरह का वो सब स्वस्थ हो गए, सब प्रसन्न हो गए, सब ठीक हो गए। सब द्वारिका के लोग रोने लगे, ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले अब मत जाइए हमें छोड़ के, हमें अन्न ना मिले हम जीवित रह लेंगे, जल ना मिले जीवित रह लेंगे, वायु ना मिले जीवित रह लेंगे, लेकिन आपके दर्शन के बिना हमसे जीवित रहना ही असंभव है ठाकुर जी। भगवान बोले देखो वैसे तो हम अनेक रूप धारण करके यहां भी रह सकते हैं वहां भी रह सकते हैं, पर हमको अपने मूल रूप में अभी महाभारत में रहना है, इसलिए हम आप लोगों के भाव को सुदृढ़ करने के लिए एक उपाय करते हैं। बोले क्या? तब भगवान ने द्वारिका में समुद्र की मिट्टी से एक सुंदर अपना स्वरूप बनाया, और बाल स्वरूप बनाया छोटे ठाकुर जी, नन्हे से लाला, और छोटे से ठाकुर जी को स्वयं अपने हाथों से निर्मित करके भगवान ने वहां सामने बैठ करके कुछ ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद जब नेत्र खोल करके उस स्वरूप को देखा तो ठाकुर जी में से ही एक तेज निकल करके उस स्वरूप में विद्यमान हो गया, और वो स्वरूप चलने फिरने लगा, नन्ना सा बाल स्वरूप, जैसे ब्रजवासियों के यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी माखन चोरी करते, गोपियों के घर में चले जाते, उनके यहाँ की सामग्री खा जाते, ऐसे ही वह चंचल स्वरूप ठाकुर जी का द्वारिका में भ्रमण करने लगा। सब यदुवंशियों के घर में घुस जाएं, उनके बालकों के संग खेलें, उनके यहाँ पधरामनी होने लगी। अब मूल द्वारिकाधीश जी से ज्यादा लोग उनके प्रति आसक्त हो गए, रुक्मणी जी भी उनके पीछे पीछे चल रही है, रुक्मणी जी कभी उनको एक जगह बैठावे, फिर उनके वस्त्र बदले, नन्हे से बाल गोपाल ठाकुर जी ने अपने हाथ से बनाए और द्वारिका के लोगों को अर्पित कर दिए, और द्वारिका के लोगों से कहा अब इन्हीं को ही पूजिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो ठाकुर जी का वो बाल स्वरूप रात्रि में मंदिर में जाके व्यवस्थित हो जाता, और किसी की प्रेम लक्षणा भक्ति होती तो उस प्रेम लक्षणा भक्ति से वही रूप उसके घर में उसको दर्शन देने लग जाता। इस प्रकार द्वारिका के लोग तो बड़े आनंद में आ गए, और वो जो महामारी फैली थी वो शांत हो गई। ठाकुर जी जब वापस द्वारिका लौट करके आए, और फिर बाद में यदुवंशियों के संहार की कथा आई, संहार के पश्चात जब भगवान ज्ञान उपदेश करते हैं, तब ज्ञान उपदेश करते हुए ठाकुर जी ने गुरु बृहस्पति और वायु पवन देव इन दोनों को बुलाया, और दोनों से कहा कि द्वारिका मेरे जाते डूब जाएगी, मेरा एक स्वरूप द्वारिका में है जो मैंने ही निर्माण किया है, मैं चाहता हूं कलयुग में लोगों का उसका दर्शन हो, तो मेरे जाते द्वारिका तो डूब जाएगी, तो हे बृहस्पति गुरु आपकी आज्ञा होगी उस स्थान पर पवन देव उस स्वरूप को ले जाकर के वायु के वेग से उस
स्वरूप को ले जाकर के उस स्थान पर अवस्थित करेंगे जिस स्थान को गुरु बृहस्पति चुनेंगे कि ये उचित स्थान है। तो कृपा करके उस स्वरूप को आप दोनों यहां से ले जाइए। तो बृहस्पति जी ने द्वारिका से दक्षिण की यात्रा प्रारंभ की और सब जगह भ्रमण करते 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 एक स्थान पर जाकर के वो अवस्थित हो गए और वहीं बैठ करके उन्होंने पवन देव को आज्ञा की कि आप यहां उन स्वरूप को ले आइए। तब पवन देव अपने संपूर्ण वेग के साथ द्वारिका में गए और पूर्ण वेग के साथ वायु ने उस स्वरूप को आकाश में उठा करके वहां जाकर के विराजमान कर दिया। वही आज हम सबके लिए दर्शन दे रहे हैं श्री गुरु वायुर भगवान, श्री गुरु वायुर कृष्ण मंदिर, ठाकुर जी के हाथों से निर्मित ठाकुर जी। बताओ, हम जितने भी ठाकुर जियों के दर्शन करते हैं, ये किसी के मनोभाव के ठाकुर जी, किसी के द्वारा बनाए गए ठाकुर जी, स्वयंभू ठाकुर जी, स्वयं प्रकट ठाकुर जी। पर हमारे भारत में एक ऐसा भी स्वरूप है जिन स्वरूप को स्वयं ठाकुर जी ने विराजमान किया, स्वयं बनाया, गुरु वायु। इसलिए मैं हर वर्ष जाता हूँ उनका दर्शन करने, बड़ा सुख मिलता है वहां पर। वहां पर भी महाराज जी ऐसे ही रहना पड़ता है, वहां ऊपर कुछ नहीं पहनने देते, ऐसे ही उघारे जाओ ठाकुर जी का दर्शन करने। और हाँ, अगर किसी के मन में आ गया हो दर्शन करने की, तो फिर एक राय मेरे से लेके जाओ, शयन आरती जरूर कर लेना वहां की। महाराज जी, शयन आरती इतनी अद्भुत होती है, वहां क्या है कि मंदिर परिसर में लाखों दीपक हैं, लाखों, चारों ओर दीपक, दीप मालिकाएं हैं, और जितने भी दर्शनार्थी हैं सबको लंबी लंबी लौ देते हैं और सबसे कहते हैं कि इन दीपकों को जलाओ। सब दर्शनार्थी मिलकर के उन दीपकों को प्रज्वलित कर देते हैं, लाखों दीपक जलते हैं, और फिर एक रस्सी बांध दी जाती है, सारे दर्शनार्थियों को किनारे कर दिया जाता है, बीच के परिसर को धो करके पवित्र कर देते हैं। और फिर उसके बाद कभी 6, कभी 8, कभी 12 हाथी आते हैं परिसर में, और उन 12 हाथियों में एक सबसे सुंदर सजा धजा हाथी होगा, वो आकर के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आके बैठ जाएगा। फिर अंदर से पुजारी गुरु वायुर भगवान के चल विग्रह अपनी छाती पर बांध करके बाहर आते हैं और आकर के उस हाथी के ऊपर विराज जाते हैं। आगे पीछे जो हाथी हैं, उन हाथियों पर 2 पुजारी खड़े होकर के आरती करते हुए चलते हैं, चवर डुराते हुए चलते हैं। सुंदर वहां की भाषा में, केरला में आता है वहां, क्या कौन सी भाषा बोलते हैं केरला में, मलयालम, मलयालम भाषा में कीर्तन गाते हैं, और कीर्तन गाते हुए हाथी 6 हाथी एक साथ चलते हैं, और बीच में ठाकुर जी अपनी सुंदर आरती कराते हुए, चवर डुराते हुए, सबको दर्शन देते हुए फिर शयन करने जाते हैं। मतलब भोजन उपरांत सत्पदम गच्छेत, 100 कदम चलते हैं ठाकुर जी भोजन करके, और उसके बाद सोने के लिए जाते हैं। वो दर्शन यदि आपने कर लिया, आपके नेत्र भीगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं भीगे ना नेत्र, तो ये समझ लेना कृष्ण भक्त नहीं हो आप, रोम रोम प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो ऐसे महाभारत काल के ठाकुर जी के द्वारा निर्मित ठाकुर जी गुरु वायुर भगवान। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया हमारी हालत ऐसी हो रही है ठाकुर जी के जाने पर, तो सोचो द्वारिका के लोगों की स्थिति क्या हो रही होगी, भगवान हमारे साथ यहां है, इसलिए ठाकुर जी को अब जाने दिया जाए, उनको श्रमित ना किया जाए। भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाते ही ठाकुर जी ने अपने पांचजन्य शंख का नाद किया। शंख ध्वनि सुनते ही सब द्वारिका के मानो जैसे प्राण वापस आ गए हों, सब नाचने लगे, गाने लगे, मंगल वाद्य बजाने लगे, ठाकुर जी का स्वागत करने लगे। ठाकुर जी ने जाते ही सबसे पहले स्नान किया समुद्र में, स्नान करने के बाद शुद्ध जल में स्नान करके ठाकुर जी गौशाला गए, गैयाओं को प्रणाम करके फिर ठाकुर जी वसुदेव देव की मैया के पास गए एवं अपनी स्वधर्मा सभा के सब मंत्रिमंडल से जाकर के भेंट की, राजा उग्रसेन को प्रणाम किया। तत्पश्चात ठाकुर जी अपनी 16108 पटरानियों से मिले। उसके विषय में भी भागवत में वर्णन आता है कि 16108 पटरानियों में होड़ लगी थी कि ठाकुर जी किसके महल में पहले जाएंगे, जिसके महल में पहले जाएंगे समझो उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। जैसे ही ठाकुर जी आए, भगवान समझ गए कि इन सब में होड़ लगी है, प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया चित्त में, सो ठाकुर जी ने 16108 रूप धारण किया और एक साथ सबके पास प्रवेश किया। सब पत्नियों ने पूछा, बोले नाथ आप सबसे पहले किसके पास गए, बोले सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूं देवी, किसी से भी जाके पूछ लेना, ये समय, ये काल, सूर्य की गति देख लो, इस समय में तुम्हारे पास ही आया हूं। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव है, वो एक साथ सबको सुख प्रदान करते हैं, इसीलिए वो भगवान है।
इस प्रकार भगवान के द्वारिका गमन की कथा बताई। बोलो द्वारिकाधीश की जय। अब यहां हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक की भगवान ने गर्भ में जाकर के रक्षा की थी। उस बालक का जन्म हुआ और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ बड़े बड़े ब्राह्मण आए। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञ वंशधर पांडो भूय पांडुरिवौजसा। यहां कहते हैं कि पांडु महाराज के जन्म लेने पर जैसा नक्षत्र कुल ग्रह आदि थे बिल्कुल वैसे ही नक्षत्र कुल ग्रह पुनः उपस्थित हुए और पांडु महाराज के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जी महाराज का जैसे ही जन्म हुआ, महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य श्री रामानुज गुरु जी 3 दिन से उनका रोज स्मरण हो रहा है मुझे कथा में, तो मतलब वो भी आते हैं कथा में, निश्चित आ रहे हैं। अच्छा एक और बात है कि मैंने उनका दर्शन कभी नहीं किया। 6 महीने की आयु थी जब गुरु जी का श्रीधाम गमन हो गया, पर मैंने उनके लिखे कई ग्रंथ पढ़े। गुरु जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, सारे श्रोता ध्यान से सुनना। वे कहते थे, बोले कि ये परीक्षित, इसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। क्यों? जिस गर्भ में हमको कभी ना आना पड़े उसी के लिए सारे वेद आज्ञा करते हैं, उसी के लिए सारे पुराण आज्ञा करते हैं कि कभी ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना आना पड़े। शंकराचार्य भगवान कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार ना आना पड़े इसके लिए ऐसे कर्म करो कि दोबारा जन्म ना हो। और स्वयं भगवान गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। जो सबके लिए मना करते हैं कि उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, वो स्वयं ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश क्यों कर रहे हैं? तब श्री रामानुज गुरु जी बहुत सुंदर भाव कहते हैं, बोले वो राजा था इसलिए नहीं, वो एक राजर्षि है इसलिए नहीं, वो पांडवों का वंशधर है इसलिए नहीं, वो अभिमन्युओं का बेटा है इसलिए नहीं। अगर ठाकुर जी को ऐसी दया होती कि भाई वो नन्ना बालक है गर्भ में मर जाएगा बेचारा, तो द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे अश्वत्थामा के द्वारा, भगवान ने उनकी रक्षा नहीं की। महाभारत में ना जाने ऐसे कितने लोग मारे गए, ठाकुर जी के अंदर ऐसी सबके प्रति दया आ जाए तो कोई मरेगा ही नहीं। लेकिन परीक्षित के लिए ठाकुर जी ने इतना योग बनाया कि अपनी चक्रा गदा को लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। क्यों? तब श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये मेरी श्रीमद भागवत कथा का श्रोता है, ये भविष्य में मेरी कथा सुनने वाला श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी है। श्री रामानुज गुरु जी कहते हैं कि भाई जो लोग कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हो और जो कथा बैठ करके व्यासपीठ पर सुना रहे हो, अपनी पीठ थपथपाइएगा, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है क्योंकि आप भविष्य में कालांतर में कभी कथा सुनने या सुनाने के अधिकारी थे, आप इसीलिए आए हो और इसीलिए सुखर्ष आ गए हो आपके। एक और बात गुरु जी लिखते हैं कि निश्चित है जिस श्रोता का और जिस वक्ता का कथा में मन लग रहा है, कथा में बैठे तो सब हैं पर जिसका मन लग रहा है, इसका मतलब क्या है? मन तभी लग सकता है जब आपका ठाकुर जी से पूर्व का कोई संबंध हो। किसी चर्चा में किसी स्थान पर किसी भाव में आपकी चित्त तब तक नहीं लग सकता जब तक उस स्थान उस भाव से आपका पूर्व संबंध ना हो। तो श्री रामानुज गुरु जी कह रहे हैं, बोले कि भैया इस बात से ये बात प्रतिपादित होती है, निश्चित ही जब मातृगर्भ में कोई भागवत का वक्ता या भागवत का श्रोता जन्म लेता है तो 9 महीने के अंतराल में ठाकुर जी एक क्षण के लिए गर्भ में आके उसको दर्शन दे करके जरूर जाते हैं। इसीलिए कथा जब वो सुनने के लिए या कहने के लिए उपस्थित होता है तो चित्त वृत्ति उसकी कथा में अनायास लग जाती है, क्योंकि उसका जन्म से ही संबंध है ठाकुर जी के साथ। इतना सुंदर भाव कहते हैं, हम सबने ठाकुर जी को देखा है कई जन्मों से। कितना सुंदर भाव है का? कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा।
तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग मेरे, नाता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। आज हम दत्त धाम आए हैं, अनायास आए हैं। आप लोग यहां आए हो, अनायास आए हो। लोभ भले ही कथा का है, पर निश्चित है कि इस जन्म का या किसी जन्म का श्री दत्त भगवान से कोई तो संबंध रहा है। अरे हम कोई इतने श्रेष्ठ संत तो हुए नहीं होंगे जिन्होंने श्री दत्तात्रेय भगवान के दर्शन किए हों। आज आप सुना रहे थे जिनका भाव, जिनको बाल रूप में श्री दत्त भगवान का दर्शन होता था, वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज, उनका आज भाव आप सुना रहे थे कि श्री दत्त भगवान से पूछे बगैर कोई क्रिया नहीं करते थे और श्री दत्त भगवान भी सदा उनके साथ रहते थे, इतना प्रेम करते थे उनको। तो आपके चित्त में एक बार एक भाव आया श्री वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज के कि मुझे आपका अवधूत भेष तो मैंने देखा है, मैंने आपका ये परम ज्ञानी परम वीतराग परम वैराग्यवंत स्वरूप तो देखा है, मुझे आपका बाल स्वरूप देखना है। और ठाकुर जी ने कृपा की और एक दिन वे सुबह सुबह जब स्नान के लिए जा रहे थे श्री गोदावरी जी के तट पर ही, नर्मदा जी के तट पर कहीं सुंदर स्थान होगा, वहां अत्यंत कोमल श्री दत्तात्रेय भगवान बाल रूप में वहां प्रकट हो गए और उनके साथ वैसे किलोल करने लगे जैसे एक साधारण बालक करता है। तो मेरे मन में एक भाव अभी अभी आया कि जैसे श्री दयानंद स्वामी जी महाराज आदि जो भी संत जिनको भी ठाकुर जी के दर्शन हुए हैं वे सब तो अत्यंत श्रेष्ठ रहे होंगे, पर हां उनके समकाल में हम कोई उनके चाकरों के चाकर कुछ तो रहे होंगे, दूर से कभी उन वैष्णवों को देख लिया होगा जिन्होंने श्री दत्त भगवान का साक्षात दर्शन किया होगा। उनके दर्शन का यह प्रभाव है कि हम इस जन्म में श्री दत्त धाम में बैठे और बैठ करके यहां कथा सुना रहे हैं। हमारे पूज्य नाना जी इस भाव को ऐसे बताते थे, बोले भक्तिमती मीराबाई सूरदास कबीरदास लाला इन सबन के जो चरण के दास रहे होंगे ना, उनके चरणन के जो दास रहे होंगे ना, उनके चरणन में हम बैठे रहे होंगे कभी, या हमारे या जन्म में हम पर यह कृपा है गई है कि हम लोग ठाकुर जी के चिंतन कर पा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुना पा रहे हैं। तो निश्चित है कि ठाकुर जी से हमारा संबंध तो है, पर श्री रामानुज गुरु जी इस बात को इस भाव से प्रतिपादित करते हैं कि हम कथा में मन लगा करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि गर्भ में ठाकुर जी का एक क्षण दर्शन तो हुआ है। इसलिए जब कथा उनकी गाई जाती है सुनाई जाती है तो हमारा अनायास उसमें चित्त लग जाता है, क्योंकि हमको तो याद नहीं है गर्व की स्थिति, पर हमारे भीतर बैठी चित्त को याद है। अरे ये व्यास जी जिनकी कथा सुना रही है तो वही है जिनका मातृ गर्भ में मैंने दर्शन किया था, इसीलिए हमारी चित्तवृत्ति कथा में लग जाती है, इसीलिए हमारा मन ठाकुर जी के भजन में लग जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। आपके लगाने से मन लगे, मैंने कितने उदाहरण देखे हैं भाई, खूब लोग जबरदस्ती बैठते हैं कथा में मन लग जाए, नहीं लगता, उसी का ही लगेगा जिसने कभी कभी तो ठाकुर जी का साक्षात्कार किया होगा। इसलिए जिसका मन कथा में लग रहा है वो मनी मन प्रसन्न हो जाओ, और जिसका मन नहीं लग रहा है वो उदास मत होना, कल फिर प्रयास करना, कल लग गया तो समझो शायद आपका भी संबंध तो रहा होगा ठाकुर जी से।
ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भाव पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे। तो उस बालक का अब जन्म हुआ, ऐसा वर्णन करते हैं कि जन्म लेते ही श्री परीक्षित जी महाराज उठ करके बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। क्यों? उनको खोजने लगे, बोले वो कहां है जिसने मेरी मातृगर्भ में आके रक्षा करी थी। और कहते हैं जब उनको ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ तो श्री परीक्षित जी महाराज अचेत होकर के गिर गए। अब नन्हा सा बालक जन्म लेते, कितना छोटा सा होता है, उसको कहां चेतना होती है। पर अचेतन अवस्था में श्री परीक्षित जी आ गए। तब अचेतन होने के बाद में खूब सबने उठाया लेकिन परीक्षित जी नहीं उठे, ये महाभारत की कथा है। तब श्री ठाकुर जी वहां पर आए, भगवान को खबर लगी कि अभिमन्यु के बालक हुआ है, वही बालक का जन्म हुआ जिसकी मैंने रक्षा की थी। तो ठाकुर जी टोपी कुर्ता लेके आए, खिलौने लेके आए बालक के लिए। और जैसे ही हस्तनापुर पहुंचे तो वहां तो मातम मन रहा था, युधिष्ठिर आदि सबके चेहरे उदास। भगवान बोले क्या हो गया? बोले ठाकुर जी हमारा वंशधर तो हुआ पर जन्म लेते उठ के बैठ गया, बिना किसी सहारे बैठ गया, चारों तरफ देख करके और फिर अचेत होकर के गिर गया। और तब से अभी तक चैतन्य नहीं हुआ है, श्वास तो चल रही है, जीवित तो है लेकिन ना देख रहा है, ना बोल रहा है, ना रो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। भगवान बोले हम मिलते हैं। और ठाकुर जी ने भीतर जाकर के जैसे ही देखा तो उत्तरा के गर्भ, उत्तरा के बगल में नन्हा सा बालक लेटा है। बंधुओं यहां पर एक बात आती है महाभारत में कि उत्तरा ने रोते हुए भगवान से एक बात कही जिससे ठाकुर जी पिघल गए। उत्तरा कहती है ठाकुर जी देखो आपके सहोदर भ्राता ने जन्म लिया है। आहा, भगवान से ये नहीं कहा कि ठाकुर जी आपका नाती हुआ है। अर्जुन 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 के नाते से भगवान का नाती लगता है परीक्षित, पुत्र का पुत्र। लेकिन यहां पर उत्तरा भगवान से कहती है ठाकुर जी देखो आपके सहोदर भ्राता ने जन्म लिया है। सहोदर भ्राता का मतलब क्या होता है? एक मां के गर्भ में जब दो जुड़वा बालक रहते हैं तो वो जन्म लेने के बाद वो भ्राता को, वो भाई सहोदर भ्राता कहलाते हैं। वैसे एक ही मां की संतान सब भाई तो हैं पर सहोदर भ्राता मूल रूप से वही कहलाए जाते हैं जो एक साथ मातृगर्भ में दो भाई रहे हों। ठाकुर जी ने जैसे ही ये बात सुनी उत्तरा के मुख से कि आपके सहोदर भ्राता का जन्म हुआ, ठाकुर जी के नेत्रों से तो आंसू बह चले। क्योंकि भगवान ने तो ये भाव सबसे छुपाया था कि मैंने उत्तरा के गर्भ में जाकर के बालक की रक्षा की है, पर उत्तरा को वो बात पता थी कि ठाकुर जी गर्भ में गए हैं। उत्तरा के प्रति प्रेम छलक पड़ा ठाकुर जी का। उत्तरा ने कहा देखिए ना नाथ, आपके भाई का जन्म हुआ है पर ये भाई कुछ बोलता नहीं है। भगवान ने परीक्षित को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के भगवान ने नेत्र बंद करके कहा यदि महाभारत युद्ध में मैंने अर्जुन के प्रति निष्कपट प्रेम प्रस्तावित किया हो तो उस प्रेम के फलस्वरूप ये बालक चैतन्य हो जाए। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात कही कि मैंने यदि अर्जुन के साथ निष्कपट प्रेम स्थापित किया हो, निर्वैर प्रेम स्थापित किया हो, एक अक्षुण्य प्रेम स्थापित किया हो तो उस प्रेम के बल पर यह बालक जीवित हो जाए। ठाकुर जी ने अपनी प्रेम की सौगंध खा करके कहा और अर्जुन को किए गए प्रेम का फल यह हुआ कि श्री परीक्षित जी के नेत्र खुल गए और वो फिर से चैतन्य हो गए। और ठाकुर जी को जैसे ही उन्होंने देखा खिलखिल करके श्री परीक्षित जी महाराज हंसने लगे, नेत्रों में आंसू भराए। बालक जन्म लेते ही रोता है लेकिन श्री परीक्षित जी मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और फिर से हस्तनापुर में उत्सव मनने लगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी सब कथा हम कहां विस्तार से सुना पाते हैं, आज अवसर मिला है। श्री परीक्षित जी का जन्म हुआ और ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने आते ही नक्षत्र आदियों को देख करके परीक्षित की जन्म कुंडली बनाई और ज्योतिष के अनुसार परीक्षित के गुण बताने लगे। परीक्षित के इतने गुण बताए, बोले कैसा होगा कि ब्रह्मद्वय सतसंदश्च रामो दशरथोर यथा। बोले कैसा होगा ये बालक? बोले बिल्कुल राम जी जैसा, दशरथ जी जैसे राम जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे वैसे माता पिता का आज्ञा का पालनकारी होगा।
ब्राह्मणों से बहुत स्नेह करेगा, ब्राह्मणों के प्रति बड़ा दानशील रहेगा, बड़ी श्रद्धा रखेगा, एष दाता दानवीर होगा और मृगेंद्र एव विक्रांतौ शेर के भांति बड़ा बलवंत होगा, समुद्र एव दुस्तर समुद्र के भांति बड़ा गहरा होगा और बड़ा विशाल होगा, एवं यहां पर तितिक्षु सर्व सुधे वासौ सहिष्णु पितराविव, परीक्षित के बड़े गुण बताए, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ब्राह्मण सब गुणी गुण बताने लगे। इतने सारे गुण सुनने के बाद में श्री युधिष्ठिर जी महाराज बोले, आप गुणी गुण बताते जा रहे हो, इस बालक में कोई अवगुण नहीं है? क्योंकि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ अवगुण तो होता है, कुछ बताइए। ब्राह्मण देवता बोले आप सुन सको तो बताएंगे। आहा, पांडवों के कान खड़े होकर बोले, ऐसी क्या बात है भैया कि जो हम सुन ही नहीं सकते? बोले, सुन सको तो बताएं हम। बोले, निश्चित सुनेंगे, आप बताइए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता उपच्युत प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज, आपका जो ये बालक है ना, तक्षकाद आत्मनो मृत्युम, तक्षक सर्प के डमसन, सर्पों में भी सर्प राज है, तक्षक सर्प, उस सर्प के डमसन से इसकी मृत्यु होगी। बंधुओं, एक बात शास्त्र आज्ञा करते हैं, यदि सर्प डमसन से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको पुनर्जन्म हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा, लेकिन वैकुंठ नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलती सर्प डमसन मृत्यु वाले व्यक्ति को। ऐसा कहा जाता है कि निश्चित ही कभी ना कभी ब्राह्मण अपराध किसी जन्म का होता है तब सर्प डसता है, इसलिए ब्रह्म अपराध वैष्णव अपराध ये कभी मत कीजिएगा भूल करके, वो इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले नहीं तो पल्ले में कभी ना कभी सर्प डमसन होगा तो निश्चित ही किसी ब्रह्म अपराध का ही प्रतिफल होता है। और सर्प डमसन जब हो जाता है, उससे अगर मृत्यु हो जाए व्यक्ति की, तो फिर उसको मुक्ति नहीं मिलती। तो इस बात से व्यथित नहीं थे पांडव कि तक्षक सर्प डसने से मृत्यु होगी, इस बात से व्यथित थे, उन्होंने जो दूसरी बात कही, द्विज पुत्रोपसर्जितात्, एक ब्राह्मण बालक इस पर कोप करके इसको श्राप देगा। बोले, महाराज आपने कहा तक्षक सर्प की टेंशन से मृत्यु होगी, उससे भी हमारे चित्त को थोड़ा तो क्षोभ हुआ लेकिन फिर भी संभल गए, लेकिन एक ब्राह्मण का अपराध, ये तो हमारे कुल खानदान में कभी हम लोगों ने तो कभी नहीं किया और ना हम कभी चाहेंगे कि हमारे वंश का कोई बालक ऐसा करे। ये ऐसा करेगा, इसके बचने का कोई उपाय? बोले, उपाय तो देखिए कुछ नहीं है, पर एक चीज और जो इसके नक्षत्रों से पता चलती है, क्या? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भैया, चाहे सर्प डमसन से मृत्यु हो, चाहे ब्राह्मण के अपराध करने से, ब्राह्मण कोपित होने से आपके ऊपर दोष लग गया हो, इन दोनों की निवृत्ति केवल एक चीज से हो सकती है। बोले, क्या? बोले, श्रेष्ठ गुरु इसके जीवन में आएंगे और आकर के इसको भागवती कथा सुनाएंगे, और जैसे उनकी कथा सुनकर के ये जीवन में उसका पालन करना प्रारंभ करेगा, तो सर्प डमसन का दोष और ब्राह्मण के क्रोध का, क्रुद्ध होने का जो दोष है, वो दोनों दोष इसके नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट होते ही क्या होगा? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे, ये श्री हरि के चरणारविंदों की प्राप्ति कर लेगा। मतलब ब्राह्मण यदि कुंपित हो जाए तो ब्रह्म ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, सर्प डमसन से हो जाए मृत्यु तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर सर्प डमसन और ब्राह्मण कोपित दोनों से निवृत्ति का एक ही उपाय है, कोई श्रेष्ठ गुरु जीवन में आकर के भगवत भागीरथी सुना करके आपके जीवन में उसका पूर्ण रूपेण पालन यदि करवा दे और उसका पालन आप अनवरत भाव से करने लग जाओ, तो भागवत की ये कृपा होगी, गुरु की आज्ञा और गुरु कृपा से ये संभव हो सकता है कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाए।
ब्राह्मणों ने ये बात बताई और ये सुनकर के पांडव थोड़े से शांत हो गए। इस प्रकार यहां पर परीक्षित के जन्म की कथा आई। आगे बंधुओं कथा आती है कि श्री विदुर जी महाराज ने जाकर के धृतराष्ट्र को खूब डांट लगाई, महाभारत युद्ध में हार गए कौरव। उसके बाद भी धृतराष्ट्र के चित्त में एक क्षण के लिए भी भाव नहीं आया, सब लुट गया, अब तो भजन कर लूं मैं। तो श्री विदुर जी महाराज ने जाकर खूब डांटा, बोले अब तो चेतन हो जाओ, अब तो चलो तीर्थ यात्रा कर आओ, कब तक बैठे रहोगे यहीं पर? तुमने सब कुछ हड़प लिया पांडवों का, हर तरीके से प्रयास किया उनको नष्ट करने का, अंत तो गत्वा तुम्हारे ही बालक मारे गए, अब तो संभल जाओ, कम से कम अब तो भजन कर लो। विदुर जी के कहने से धृतराष्ट्र के चित्त में थोड़ा भाव आया और वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। इस प्रकार आगे के कुछ क्रम बताए गए। अब कथा प्रसंग आता है। भगवान बीच में हस्तिनापुर आए और कुछ दिन रह करके जब वापस जाने लगे तो अर्जुन भगवान को द्वारिका छोड़ने के लिए गया, द्वारिका तक छोड़ने के लिए अर्जुन गए। बंधुओं, अर्जुन और श्री कृष्ण का प्रेम कैसा? अर्जुन 6 महीना तो हस्तिनापुर रहते हैं और 6 महीना द्वारिका रहते हैं। कैसे रहते हैं? लेकिन ठाकुर जी आते हैं हस्तिनापुर, अब ठाकुर जी को छोड़ने के लिए अर्जुन जाता है द्वारिका। जब वापस जाते हैं अर्जुन कुछ दिन ठाकुर जी के संगी रह करके आता है वहां पर, और जैसे ही अर्जुन यहां पहुंचता है 4-5 दिन ही होते हैं कि ठाकुर जी फिर से आ जाते हैं और फिर कुछ दिन रह के फिर वापस जाते हैं, फिर अर्जुन छोड़ने जाता है। तो इस नाते से साल में ना जाने कितनी बार अर्जुन का द्वारिका में जाना और ठाकुर जी के संग हो जाता है। कितना सौभाग्यशाली है अर्जुन। कभी कभी मन में भाव आती है हम भी कभी ऐसे ठाकुर जी से हो जाएं, हमको भी ठाकुर जी संगी संग रखा गया। वैसे तो संगी रहते हैं पर अर्जुन पर कितनी कृपा। पर बंधुओं एक बात बताऊं, आगे प्रसंग खुलेगा तो मैं कहूंगा अर्जुन से भी ज्यादा प्रिय ठाकुर जी को उद्धव है। ठाकुर जी से यदि पूछा जाए कि उनका सबसे प्रिय सखा कौन है तो श्री उद्धव जी महाराज। और मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं महाराज जी कि अर्जुन जो है ना ये भगवान का विद्यार्थी है, भगवान से इसने गीता सुनी है, और उद्धव जो है ना ये हमारी श्री राधिका रानी जी का विद्यार्थी है, ये किशोरी जी का, ब्रजवासियों का विद्यार्थी है। श्री उद्धव जी को ठाकुर जी ने भेजा था वृंदावन जाओ और जाकर के ब्रजवासियों को सुध लेके आओ। कथा आता है ना उद्धव गोपी संवाद में, वहां श्री जी ने उद्धव को पढ़ाया है और श्री जी का पढ़ाया विद्यार्थी है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय उद्धव। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहते भी हैं और भागवत के तृतीय स्कंद में भी भाव आता है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं पर जब आएगा तब बोलूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव कोई और नहीं है, ये मैं ही हूं, बस 2-4 भेद हैं, बाकी कोई और अंतर नहीं है, ये मैं ही हूं, मैं ही उद्धव के रूप में विलास कर रहा हूं। ठाकुर जी को इतना प्रिय है उद्धव। तो अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए द्वारिका गए पर 6 महीने हो गए लौट करके नहीं आए। कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहितं तेजो देव विस्मापनं महत। बहुत सावधानी से सुनिएगा। 6 महीने तक अर्जुन नहीं आए और जब 6 महीने तक अर्जुन नहीं आए तो युधिष्ठिर जी महाराज आज सुबह उठते ही ये बात सोच रहे थे कि इतने दिन हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आया। और बस ये सोच करके स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करके श्री युधिष्ठिर जी महाराज भ्रमण पर गए तो उनको बड़े अपशगुन दिखाई देने लगे। तो अपशगुन कैसे कैसे दिखाई दे रहे थे यहां उसका वर्णन किया गया। पहला अपशगुन क्या दिखा युधिष्ठिर जी को कि सूर्य उदय हुआ है पर उनको सूर्य उदयमान नहीं अस्ताचल को जा रहे हैं ऐसे दिखाई दे रहे थे। सूर्य उदय पर अस्त की भ्रांति होना यह एक अपशगुन है। अपशगुन वैसे तो भक्त इतना मानते नहीं, मैं भी नहीं मानता, पर एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि यह एक संकेत है कि कुछ विचलित
करने वाला होने वाला है, इसलिए समझ जाओ। पहला संकेत क्या है? उदयमान सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं ऐसी प्रतीति हो तो समझो कि ये अपशगुन है। दूसरा, गायों की रम्हाने की आवाज सुख प्रदायक ना लग करके कर्ण को भेदित करने वाली लगने लग जाए। गाय का स्वर आपको चीख की तरह लगे और उस वो आपको विचलित करे, आप रुक ना पाओ उनके बीच में, ऐसी स्थिति गौ स्वर सुनकर के होने लग जाए, समझो कि कुछ बहुत खराब होने वाला है। तीसरा, किसी देवताओं की देव मूर्ति का दर्शन करते हुए उन देव मूर्ति में उदासी का भाव दिखना, अपने ठाकुर जी की सेवा में प्रेम भाव में कभी ऐसा लगना कि आज ठाकुर जी उदास हो गए, आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा, क्यों? बोले आज ठाकुर जी का भोग अच्छे से नहीं लगा, ये सब बातें नहीं है, ये सब तो आपके प्रेम भाव के, इसमें तो चलता है, कभी कभी ठाकुर जी रूठ के बैठ जाते हैं, वो एक प्रेम भाव में रूठना अलग है, पर देव मूर्तियों का जब दर्शन आप करो मंदिर में जाकर के, तो उसके प्रति ऐसा भाव अनायास ही बिना प्रेम के ही ऐसा लगने लग जाए कि ये बड़े उदास, हताश और क्रोध में दिख रहे हैं, तो समझो ये अपशगुन है। नदियों का जल प्रेम प्रदान करने वाला नहीं, भय प्रदान करने वाला लगने लग जाए। नदियों के जल से भय, अब यहां पर जो तैरना नहीं जानते वो कहीं मत सोचना हमारे संग क्या अपशगुन होगा, क्योंकि उनको भी भय लगता है नदी जल से, ऐसा भय नहीं। तैराक व्यक्ति जो नित्य स्नान करता है, नित्य नदी में जाता है, जैसे हम लोग रोज जाते हैं, 3 बार नहाते हैं, पड़े रहते हैं महाराज गोदावरी जी की गोद में, पर किसी दिन प्रवेश करने से पूर्व मन में थोड़ी सी भाव ऐसा आ रहा हो कि कहीं कुछ अटपटा तो नहीं, जल का स्पर्श पहले जैसे सुख देने वाला ना लग रहा हो, तो निश्चित है कि वो संकेत है कि कुछ विचलित करने वाला होने वाला है। और भी बहुत कुछ वर्णन किया गया है यहां पर। भ्रमण करते हुए युधिष्ठिर जी को अनुभव हुआ कि वृक्षों पर बैठे हुए जो पक्षी हैं उनकी चहक पहले सुख प्रदायक होती थी, पर आज मानो वो पक्षी मौन बैठे हैं। पक्षी तो असंख्य हैं पर मौन है, सूर्य उदय के समय पर पक्षी मौन नहीं हो सकते, पर पक्षी तो असंख्य बैठे हैं परंतु मौन बैठे हैं, और यथावत कोई अगर कोई छड़ी से पक्षियों को हिला भी दे तो उनके मुख से प्रेम प्रदान करने वाला स्वर नहीं, मानो जैसे क्रोध में आप पर चिल्लाए हो ऐसा स्वर प्रकट हो रहा है, तो समझो ये अपशगुन द्योतक है। और भी वर्णन किया, बहुत सारा वर्णन किया है, मेरे को तो स्मृति में भी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। मां की गोद में बालक बैठा हो और मां फूटा हुआ घड़ा लेकर के भरने के लिए जा रही हो, ऐसी भ्रांति हो, समझो ये अपशगुन है। कोई कन्या जिसका सौभाग्य चला गया हो और वो प्रसन्न मुद्रा में किलोल करती हुई दिख रही हो, ये अपशगुन द्योतक है। ये सारे अपशगुन युधिष्ठिर जी को हो रहे थे, और युधिष्ठिर जी महाराज सब जगह भ्रमण करते हुए बड़े विचलित भाव से लौट करके आए, और आकर के जैसे अपने राज सिंहासन पर बैठे, भीम को ये सारे अपशगुन बता रहे थे, बोले आज ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है। और देखो ना भीम, इतने दिन हो गए अर्जुन लौट करके नहीं आया, जरा पता तो करवाओ द्वारिका में सब ठीक तो है ना। बस इतना कहना हुआ कि द्वार पर अर्जुन आकर के मूर्छित होकर के गिर पड़ा। अर्जुन के सिर पर कोई मुकुट नहीं था, अर्जुन का रूप तेजहीन था, अर्जुन का कवच फटा हुआ था, अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष नहीं था, अर्जुन के पैर छिले हुए हैं, अर्जुन के वस्त्र फटे हुए थे,
मानो जैसे किसी से युद्ध करके आया हो और युद्ध में परास्त होकर के कोई योद्धा आता है, ऐसी अर्जुन की दशा। युधिष्ठिर जी ने दौड़ करके अर्जुन को उठाया, अपनी गोद में ले लिया। अर्जुन तेरी ये स्थिति कैसे हो गई? अर्जुन सब ठीक तो है ना? अर्जुन तुम द्वारिका गए थे, मुझे सत्य बताओ, द्वारिका में सब कुशल तो है ना? वसुदेव देवकी सब ठीक है ना? रुक्मणी आदि सब ठीक है ना? प्रद्युम्न अनिरुद्ध भगवान के सब पुत्र ठीक है ना? और जैसी अंत में कहा, श्री कृष्ण हमारे लाला ठीक है ना? कृष्ण नाम सुनते ही अर्जुन रोने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रु धार गिरने लगे। युधिष्ठिर जी का हाथ पकड़ करके अपने चित्त पर रख करके कहने लगे, मेरे प्राण ले लीजिए भैया। कि वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिण, ये न मे पहितम तेजो देव विस्मापनम। जिनकी वजह से हम शान से आज हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हैं भैया, जिनकी वजह से इंद्र का सिंहासन आधा खाली रहता है कि अर्जुन कभी भी आकर के उस पर बैठ सकता है, जिनकी वजह से मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन कहलाता हूं, जिनकी वजह से महाभारत युद्ध को हम ऐसे पार कर गए जैसे गाय के खुर के गड्ढे को कोई लांघ जाता है, जिनकी वजह से सर्वस्व हमें प्राप्त हुआ, ऐसे श्री कृष्ण अपनी लीला विराम करके, अपनी लीला को विराम दे करके द्वारिका छोड़ करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, मेरे प्रिय श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। बंधुओं, मैं इस प्रसंग में प्रवेश करूं और ज्यादा उससे पहले संकेत कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी के प्रस्थान को मानवीय प्रस्थान से मत जोड़िएगा। कई लोग अनर्गल बातें करते हैं कि भगवान के तन को ऐसे किया गया, मुझे तो बोलने में संकोच होता है, आप सुन कैसे सकते हैं? भगवान कभी भी हमारी तरह प्रस्थान नहीं करते हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो अदृश्य हो जाते हैं, वो ज्योति में रूप धारण करके अपने धाम को प्रस्थान करते हैं, वो हमारी तरह पंचभूत में नहीं मिलते हैं, उनका पंचभूत है भी नहीं, सच्चिदानंद रूपाय, वो साक्षात चैतन्य है, साक्षात सच्चित और आनंद है, वो चिदानंद चिन्मय स्वरूप है ठाकुर जी का, उसको पंचभूत में मिलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं पहले ही संकेत कर दूं, ये भाव कदापि मन में मत ले आइएगा। अर्जुन को तो इस बात का विरह है कि अब हम किसको देखेंगे, हम किससे मिलेंगे, हम किसके साथ भोजन करेंगे, हम किसके संग हंसेंगे। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर के महलों में भी गूंज तो श्री कृष्ण की ही है। भैया, हम पांडवों के लिए क्या नहीं किया श्री कृष्ण ने, जब हमको लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की। संपूर्ण महाभारत युद्ध में वे संकेत करते थे और उसी संकेत से मैं चलता था। मुझे भय तो लगता था कि पता नहीं क्या होगा, पर मैं जीत जाता था। एक दिन की बात है भैया, मेरे घोड़े बड़े प्यासे थे और युद्ध खेलते खेलते, युद्ध करते करते अचानक मेरा रथ रुक गया। मैंने ठाकुर जी से कहा, द्वारिकाधीश, हे द्वारिकेश, क्या हुआ, रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठाकुर जी मेरी तरफ देख करके बोले, आज तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, इनको जल नहीं मिला है। मैंने कहा, भगवान कैसे भी रक्षा करो, ये चक्रव्यूह बना लेंगे, मुझको मार देंगे, मैं मर जाऊंगा, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, अर्जुन तूने एक बात कही थी, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। मैंने कहा, केशव ये परीक्षा लेने का समय नहीं है, आप परीक्षा लेने के लिए। बोले, मैं जो कह रहा हूं केवल उसका उत्तर दीजिए, तुमने कहा था कि जो मैं कहूंगा सो करोगे। बोले, हां करूंगा, तो मैं आज्ञा देता हूं, रथ से नीचे उतरो और इसी भूमि पर अपने बाण से भेदन करके सुंदर जल का स्रोत निकालो,
अपने घोड़ों को खोल करके जल पिलाओ और पिला करके वापस रथ में जोत करके बैठ जाओ। मैंने कहा ठाकुर जी कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप, छन्नी बना देंगे ये कौरव सब मेरे अंग को, देख नहीं रहे, सबका केंद्र बिंदु केवल मैं हूं। ठाकुर जी बोले या तो अपनी बात पर रहो या फिर इस भय में रहो। तुमने कहा था करिष्ये वचनम तव, जो कहोगे जो कहूंगा सो करोगे। जितने भी साधक यहां बैठे हैं, जितने भी कृष्ण भक्त यहां बैठे हैं या कृष्ण को मानने सुनने और हृदय से रखने वाले बैठे हैं, सावधान हो जाना। ठाकुर जी को वचन देने से पहले सावधान हो जाना, क्योंकि ये परीक्षा के रूप में उस वचन को कभी भी परीक्षा के रूप में लेने के लिए आ जाएंगे। अच्छा तय नहीं कही थी, अब करके दिखा। आज अर्जुन से भगवान बोले तो फिर अपनी बात से मुकुर जाओ कि करिष्ये वचनम तव, वो नहीं 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 करिष्ये वचनम तव, तो बोले फिर जो कह रहा हूं सो करो। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर जी भैया मैंने श्री कृष्ण की बात मानी, मैं रथ से उतर गया, रथ से उतर करके मैंने बाण से पृथ्वी का भेदन करके जल का स्रोत निकाला, अपने घोड़ों को खोला, एक एक घोड़े को खोल खोल करके मैं जल पिला रहा था। भैया ये जल पिलाने की क्रिया में बहुत समय लगा था, मैं मन में विचार कर रहा था कि घोड़ों को खोलना, दोबारा लगाना, जल का स्रोत निकाल के जल प्रकट करना, इतनी देर में एक बाण ने भी मेरा स्पर्श नहीं किया, ये कौरवों को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब मैंने पीछे मुड़कर के कौरवों की ओर देखा तो समस्त कौरव मेरे रथ की ओर देख रहे थे और सब मूर्तिमंत होकर के स्तब्ध, मानो जैसे किसी की आंख खुली है, मुख खुला है, प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा है, सब मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं, कोई भी बाण नहीं चला रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जब फिर करके मैंने अपने रथ के ऊपर देखा तो श्याम सुंदर द्वारिकेश, द्वारिकाधीश ने इतना सुंदर श्रृंगार करके अपना रूप धारण कर लिया, ऐसा रूप धारण किया कि देहाभिमान शून्य हो गए समस्त कौरव जन्य और भगवान के रूप माधुरी पर लट्टू होकर के भूल गए कि हमको अर्जुन को मारना है। सब द्वारिकाधीश को देखने में ही व्यस्त हो गए, कोई नेत्र देख रहा था, कोई कान देख रहा था, कोई नासिका देख रहा था, कोई ओष्ठ देख रहा था, कोई ग्रीवा देख रहा था, कोई हाथ देख रहा था, ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर ऐसे मोहित हुए सब कौरव कि वे मुझको मारना ही भूल गए। अपनी रूप माधुरी से महाभारत में योद्धाओं के चित्त का हरण करने वाले, योद्धाओं के प्राणों का हरण करने वाले श्री कृष्ण, भैया मुझ पर कितना अनुग्रह किया था उन्होंने, आज वो अपनी लीला पूरी करके चले गए। आज भगवान के किए सारे उपकार याद आ रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन कहता है यो नो जुगोपवन मेत्य दुरंद कच्छात् दुर्वाससोरिनचिता दयुताग्रभूज्ञः साकान्न शिष्टमुपपूज्ययतु स्त्रिलोकी तृप्ता ममस्त सलिले वनिमग्र संग। प्रसिद्ध कथा है, अर्जुन याद कर रहे हैं, बोले दुर्योधन ने हम पांडवों के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट भेजा था दुर्वासा जी के रूप में। दुर्वासा जी का नियम था उनको यदि कोई आमंत्रण दे भोजन का तो वो अपने 1000 शिष्यों के साथ जाते थे प्रसाद पाने। कौरवों ने दुर्वासा जी को निमंत्रण भेजा तो दुर्वासा जी आए 1000 वैष्णव भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। दुर्वासा जी के चरणों में जब दुर्योधन ने प्रणाम किया, दुर्वासा जी बोले हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमने बहुत प्रेम से भोजन कराया, मांगो क्या चाहिए। तो दुर्योधन इतना दुष्ट रोते हुए कहता है मेरे ही भाई हैं पांडव, मुझे लगता है आपका मेरे यहां आगमन मेरे घर को पवित्र करने के समान है, मैं चाहता हूं एक बार निमंत्रण आप पांडवों का भी स्वीकार करके जाइए
और पांडवों के पास जाकर के अपने समस्त शिष्यों के साथ उनके हाथ की बनी सामग्री पा करके उन पर भी कृपा करो, वो भी धन्य हो जाएं बेचारे। दुर्योधनिया प्रेमवश नहीं ईर्ष्यावश भेजना चाह रहा था, क्योंकि पांडवों के स्वयं के भोजन की तो व्यवस्था होती नहीं है। दुर्वासा जी 1000 शिष्यों के साथ जाएंगे और जब इनको भोजन नहीं करा पाएंगे तो दुर्वासा जी क्रोध में आती है तो सीधे श्राप दे देंगे, और जैसे श्राप देंगे पांडवों का वही नष्ट, वही वंश खत्म हो जाएगा, वही खत्म हो जाएंगे, हमको युद्ध नहीं करना पड़ेगा। दुर्वासा जी ने कहा तथास्तु, हम जाएंगे पांडवों के यहां, उनका प्रसाद जरूर पा के आएंगे। अब यहां पांडवों को तो कुछ पता ही नहीं था, पांडव सब प्रसाद पाकर के निवृत्त हुए थे, उतना ही बना था जितने में सबका पेट भर जाए। प्रसाद पाकर के केवल अपनी थाली अपनी पत्तलों को विसर्जित करके हाथ धो ही रहे थे, इतने में ही दुर्वासा जी अपने 1000 शिष्यों के साथ आ गए। और दुर्वासा जी ने आकर के कहा, संकेत किया, बोले कि हम प्रसाद पाने के लिए आए हैं, परंतु मध्याह्न का अभी मध्याह्न समय हो रहा है, तो अभी नीचे नदी के पास जाके संध्या करके आते हैं, और संध्या जब तक हम कर रहे हैं तब तक तुम व्यवस्था कर लो, संध्या करके आएंगे सीधे प्रसाद पाएंगे, देख लेना विलंब नहीं होना चाहिए। पांडवों को कहकर के दुर्वासा जी तो नीचे चले गए संध्योपासन करने, स्नान आदि करने। अब यहां पांडव एक दूसरे का मुख देखें, बोले इससे अच्छा तो भूखे प्यासे ही मर जाते हम, दुर्वासा जी की श्राप अग्नि में जलना पड़ेगा अब हमको। मन में विचार करने लगे पांडव, बोले अब हम नहीं बच पाएंगे। तभी वहां मानो जैसे अपरिचित और अज्ञात व्यक्ति होता ना जिसको कुछ पता ना हो, ऐसे श्री द्वारिकाधीश वहां आ गए और वृक्षों को देखते हुए आ रहे थे, आकर के अचानक से सामने खड़े हो गए। पांडवों ने देखा, कन्हैया आप, ठाकुर जी ने, ए अर्जुन देख ये कौन सा फल लगा है ऊपर। बोले मुझे कोई फल वल नहीं दिख रहे, मुझे बचाओ हम मर जाएंगे आज, दुर्वासा जी हमको मार देंगे। बोले तू रोता क्यों रहता है हमेशा, क्या हो गया। बोले कुछ नहीं भगवान बचाओ। बोले तेरी बात बाद में सुनूंगा, पहले ए सुन द्रौपदी क्या बना है आज, जल्दी खवा मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। द्रौपदी बोली वैसे ही हम लोग यहां मर रहे हैं, आप आकर के ऊपर से और इतना ज्यादा हम पर संकट बना रहे हो, आपको सब पता है, अंतर्यामी हो, सब जानते हो, भोजन प्रसाद कुछ नहीं है हमारे पास में, ऊपर से नीचे 1000 शिष्यों के साथ में दुर्वासा जी बैठे हैं और ऊपर से आपको भूख अभी लगी है। भगवान मुस्कुरा करके बोले देख द्वार पर आए भूखे को ऐसे नहीं कहते हैं, कुछ होगा लाके दे मुझे। बर्तन लाके धर दिए बाहर, बोले देख लो कुछ भी नहीं है, सब खा लिया हमने और व्यवस्था भी नहीं है, आप हमारे साथ आनंद मत लो, बस जल्दी बताइए कैसे बचें दुर्वासा जी से। ठाकुर जी मानो जैसे अनसुनी कर रहे हो उनकी बात। तभी एक पात्र उठाया, उस पात्र में एक थोड़ा सा तिनका बचा था किसी साग का। ठाकुर जी बोले तू तो कह रही थी कुछ बचा नहीं है, देख है तो सही इसमें। और भगवान ने लेकर के अपनी जिह्वा पर धारण किया, ब्राह्मणोश्य मुखमासीत, ठाकुर जी का मुख ब्राह्मण है। जिस प्रकार ब्राह्मण को भोजन कराने पर ठाकुर जी तृप्त होते हैं, ऐसी जब ठाकुर जी पाते हैं तो ब्राह्मण तृप्त होते हैं। ठाकुर जी ने मुख पर वो ग्रास लेकर के जैसे ही भीतर लेकर के महाराज जोर की डकार ली, ठाकुर जी बोले वाह पेट भर गया भैया, हम तो तृप्त हो गए। यहां ठाकुर जी क्या तृप्त हुए, नीचे दुर्वासा जी सहित उनके 1000 शिष्यों को डकार आने लग गई। संध्योपासन करते करते सब शिष्य बोले, बोले पता नहीं क्या हो गया है स्नान करने के बाद, और यहाँ का तो जल ही कुछ ऐसा है, पेट तो पूरा भर गया हमारा। बोले भूखे प्यासे आए थे हम तो, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है, भीतर से ऐसी बार बार ऐसा लग रहा है कि गुलाब जामुन खाए हों बहुत सारे, कभी ऐसा लगता है कि रायता पी के आए हों, कभी ऐसा लगता है खूब सारी पूड़ी उड़ा के आए हैं। अब भैया गुरु जी से कौन कहे कि हम तो भोजन नहीं कर पाएंगे, और भोजन छोड़ दिया तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। बालक सब सोचने लगे, बोले एक काम करो, 1000 हैं, 1000 में से एक आध दो अगर भाग भी जाएगा तो गुरु जी को क्या पता चल रही है, भाग चलो अब। लेकिन वो एक आध थोड़ी सोच रहे थे, 1000 यही सोच रहे थे, और धीरे धीरे करके 1000 शिष्य भाग गए नीचे से, कहीं भोजन नहीं करना पड़े, पांडवों ने 56 भोग बनाए होंगे ऊपर। एक शिष्य रह गया था, दुर्वासा जी की संध्या पूरी हुई, नेत्र खोल करके देखा, ए कहां चले गए सारे। बोले गुरु जी पता नहीं, दिख ही नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए, हमें लगता है शौच आदि निवृत्त होने के लिए। 1000 को लगी है शौच, एक संग गए 1000,
बोले गुरु जी अब ऐसी है क्या करें बताओ। तो इतने में दुर्वासा जी को भी टकार आ गई। दुर्वासा जी बोले सुन, पांडवों ने ऊपर बड़ी व्यवस्था कर रखी है और मेरा तो थोड़ा सो जो है वो थोड़ा पेट ठीक नहीं है, मैं तो पा नहीं पाऊंगा, तुम ऊपर जाके थोड़ा पा लेना और उनको कह देना। बोले गुरुजी तो चले गए फिर कभी आएंगे हैं, और सुनो ऐसे कह देना अब ऊपर जाएंगे फिर नहीं पाए तो अच्छा नहीं लगता, बेचारों ने बड़ी व्यवस्था की होगी। गुरुजी से वो चला बोला मुझे भी ले चलो, मेरी भी इच्छा नहीं है गुरुजी, मेरा भी मन नहीं कर रहा, आप मुझे भी ले चलो अपने साथ। इतने में ही दुर्वासा जी अपने समस्त शिष्यों के साथ नीचे से ही चले गए। अर्जुन आदि बोले आपका तो पेट भर गया, नीचे वालों का क्या? बोले कौन है नीचे? बोले सब हैं दुर्वासा जी और हजारों शिष्य। कहाँ है दिखाओ? नीचे आकर के देखा तो वहां कोई नहीं, सब अपने पात्र ले लेकर के भाग रहे थे। बोले सबका पेट भर गया। अर्जुन आज स्मृति याद करते हुए कहते हैं कि यो नो जुगोपवन में दुरंत कच्छा दुर्वास सौर रचिता दयुताग्र भुग्य साकन्न शिष्टम उपपूज्यत स्त्रीलोकी। आहा इतनी सुंदर बात। केवल दुर्वासा जी और उनके शिष्य तृप्त नहीं हुए, ठाकुर जी ने जब वो एक साक अपने मुख में धारण करके उसको भीतर लिया तो तीनों लोक तृप्त हो गए। एक दिन ऐसा भी आया था इस ब्रह्मांड में जिस दिन देवताओं से लेकर के और रसातल तक किसी ने भी प्रसाद नहीं पाया, सबको तृप्ति का अनुभव हो रहा था। क्यों? क्योंकि उस दिन पांडवों के यहां बनी हुई उस सब्जी के एक साग को ठाकुर जी ने पाकर के स्वयं को तृप्त किया था। वाह, त्रिलोकी तृप्त हुआ था। साकान्न शिष्टम उपपूज्य त्रिलोकी तप्तामस्त सलिले बनिमग्र संग। दुर्वासा जी के कोप से हमारी रक्षा करने वाले वो श्री कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। बर्बरीक का स्मरण किया और बर्बरीक को स्मरण करते हुए श्री अर्जुन कहते हैं कि बर्बरीक से पूछा गया था महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन है, तो बर्बरीक ने श्री कृष्ण की ओर अंकित किया था, ये सबसे बड़े योद्धा हैं। उस समय भैया आपको भी अहम आपके चित्त में भी एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया था कि मैं धर्म सम्राट युधिष्ठिर पूरा महाभारत युद्ध लड़ा हमने, पसीना बहाया हमने, मेहनत करी हमने, और ये बर्बरीक किसको श्रेय दे रहा है जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे युद्ध में? भैया बताना, आया था ना आपके चित्त में ये भाव? युधिष्ठिर के नेत्र नीचे हो गए। बोले हाँ मेरे चित्त में ये भाव आया था उस समय कि मेहनत हम कर रहे हैं, युद्ध हम कर रहे हैं, लड़ हम रहे हैं, और ये बर्बरीक कह रहा है महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा श्री कृष्ण जिन्होंने शस्त्र भी नहीं उठाया। अर्जुन कहते हैं भैया वस्तु की आवश्यकता उसको होती है जो वस्तु के बिना कार्य नहीं कर सकता। वास्तव में तो सत्य पूछें तो जिस दिन प्रथम दिन मेरा रथ जाकर के खड़ा हुआ था उभय सेना के बीच में, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमिच्युत, मैंने आज्ञा की थी श्री कृष्ण को मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। उस दिन उभय सेना के बीच में जाकर के श्री कृष्ण ने जहां जहां दृष्टि घुमाई, जिन जिन को उन्होंने देख लिया था, भैया प्राण तो उसी दिन निकल गए थे सबके। ये कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उभय सेना के बीच में श्री कृष्ण ने इनकी ओर देख लिया था। अरे कर्ण के प्रसंग में आता है जब कर्ण से बीच में युद्ध मैदान में इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कवच और कुंडल मांगने के लिए आ गया, दानवीन कर्ण कभी मना नहीं करता और जब तक कवच कुंडल है उसको कोई नहीं मार सकता। इंद्र जब कवच कुंडल मांगने के लिए आया तो कर्ण का जो सारथी है वो कर्ण से कहता है, बोले कर्ण मना कर दो और कह दो युद्ध के बाद दान मांगना, युद्ध बीच में कोई दान नहीं देंगे आप। तब कर्ण कहता है तू मुझे किससे बचाना चाहता है ये बता, ये कवच कुंडल मेरी रक्षा करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। तब अपने सारथी के कंधे पर हाथ रख के कर्ण इशारा करके कहता है, बोले सामने मानव से लड़ना हो तो अपनी रक्षा करूं। ये देख रहा है अर्जुन का सारथी, पर ब्रह्म है वो, पर ब्रह्म मुझसे नाराज बैठा है, कब तक कवच कंडलों को धारण किए बैठा रहूंगा मैं जानता हूं मेरी मृत्यु तो निश्चित है।
देवता जिससे नाराज हो गए हैं और देवों के देव जिससे नाराज हो गए हैं उसको कौन बचाएगा? अर्जुन कहते हैं, बोले प्राण तो उसी दिन हरण कर लिए थे श्री कृष्ण ने जिस दिन उभय सेना के बीच में जाकर के पूरी सेना को देखा था। बोले ये युद्ध तो केवल मुझे और आपको श्रेय देने के लिए किया था, हम मरे मराए कौरवों को मार रहे थे, उम्र तो पहले ही चुके थे, केवल आपको और मुझको श्रेय मिल जाए उसके लिए महाभारत युद्ध कराया जा रहा था। भैया प्राण तो श्री कृष्ण ने प्रथम दिन ही हरण कर लिए थे। जैसे एक बालक को प्रसन्न करने के लिए उसका पिता बालक से कहता है चलो मुझे मारो, तो बालक अपने कोमल हाथों से उसका स्पर्श करता है तो पिता अपना पैर पकड़ के रोता, आ मार दिया मेरे तो लग गई बहुत जोर से, अरे कितनी पावर है मेरे बेटे में। बालक खुश हो जाता है, आहा मैं बहुत शक्तिशाली हूं। तो बालक फिर खड़ा होकर फिर कूदता है अपने पिता के ऊपर और जितनी बार वो प्रहार करता है उतनी बार पिता अपने आप को ऐसा दिखाता है, अरे मेरे लग गई, अरे मेरे यहां से टूट गया, अरे मुझको दवाई लगाओ, अरे मेरा बेटा तो बहुत शक्तिशाली मारता है। ऐसे बालक कभी किलोल करता है अपने पिता के साथ तो पिता अपने बालक को प्रसन्न करने के लिए पीड़ा ना होती हुई भी दिखाता है कि पीड़ा में। ठीक वैसे ही मुझे और आपको खुश करने के लिए और केवल हमको श्रेय युक्त हो जाए इसके लिए ये युद्ध का पूरा नाटक रचाया जा रहा था। कौरव तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन कृष्ण ने उनको टेढ़ी नजर से देख लिया था। ऐसे श्री कृष्ण आज हमें छोड़ के चले गए भैया। पांडवों ने मन में विचार किया, बातें तो बहुत सारी हैं यहां पर। पांडवों ने मन में विचार किया जिन श्री कृष्ण के वजह से आज हम राजा बन के बैठे हैं, जब वे ही नहीं है तो हम भी कैसे रह सकते हैं। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके पांचों पांडव स्वर एक कथा और बीच में रह गई। जैसे ही अर्जुन ने आकर के बताया कि श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए तो यह सुनते ही दूर से चलती हुई आ रही थी कुंती देखने के लिए कि क्या हुआ, अर्जुन पड़ा है। कुंती ने चलते चलते सुन लिया कि श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, चलते चलते वहीं प्राण त्याग दिए कुंती ने, जीवित ही नहीं रख पाई, इतना प्रेम था उनका, श्री कृष्ण नहीं है तो ये सुन ही नहीं पाई। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे पांडव भी प्रणम्य हैं जिनके लिए ठाकुर जी खूब आनंद कराते हैं। प्रेम और भाव से आज के भाव को विराम दें, उससे पूर्व पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे हैं, हम भी उनके साथ बस ठाकुर जी को वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए हम भी चले। कृष्ण कहने से सर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर। बहुत सुंदर भाव है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। आज बहुत सुंदर एक श्लोक दिया अब हम आज तो नहीं उसकी व्याख्या पूरी करेंगे आधा घंटा, तो कल जरूर सुनाऊंगा। इसी विषय से थोड़ा संबंध में बहुत सुंदर भाव है, इसी विषय से जुड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, वो क्या पता फिर किधर जाएगा,
कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, गली से गुजर जाएगा, उस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आओ सब लोग महामंत्र, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग पुनः कल पधारेंगे अपने समय अनुसार, अभी आरती होगी। Bye.